أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين वसलत वसलम अला सैदिल अम्बिया इब्लमसलीन नबीना महमद माला अलि वसबी अजमाइन अमाबैद पिछली मजलिस में हमने देखा कि बच्चों की तरबियत में सबसे पहली चीज़ जिसका ख्याल और लिहाज़ ज़रूरी है वो ये कि हम अक़ीदे के अतबार से अपने बच्चे को बच्चों को मुसलमान बनाए उन्हें शहादतें और उसके तकाज़ों के बारे में सिखाएँ अल्लाह की मारिफत और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान बच्चों को कराएँ कले में जिसको हम कहते हैं ला इल्लल्लाह और इसी के साथ महम्मद रसूलुल्लाह इन दोनों जुमलों के ताल्लुक से उनको सिखाएँ उसके बाद इसमें ये भी ज़िम्न है कि अल्लाह की अजमत उनके दिल में बिठाने की कोशिश करें दुनिया की अजमत लोगों की अजमत पैसे की अजमत ये सारी अजमतें इंसान के दिल में क्यों बैठती हैं कि उन्हें अल्लाह ताला से मतयारफ़ नहीं कराया जाता अल्लाह की पहचान नहीं कराई जाती है अगर शुरू ही मरहले से बच्चे को अल्लाह की पहचान कराई जाए अल्ला कितना बड़ा है चाहे वो वाकयात की सूरत में हो नबियों की मदद अल्लाह ने कैसे की या फिर इसी तरह से अल्लाह रबालमीन के इनामात और एहसानात के अतबार से हो कि अल्लाह ने कितने एहसानात हम पर किए हैं आसमान बनाया ज़मीन बनाई पेड़ पौधे बनाए फल दिए तो अल्लाह ताला का तारु बच्चों को कराएँ अल्लाह से बच्चों को जोड़ें इस जोड़ने में सिर्फ बच्चे नहीं जुड़ेंगे हम भी जुड़ेंगे जब एक इंसान अल्लाह की बड़ाई बयान करता है अल्लाह की अजमत बयान करता है तो सुनने वाले के साथ साथ बोलने वाले के भी ईमान की तजदीद होती है उसका भी ईमान ताजा हो जाता है इसी तरह से मोहम्मद अलैहि वसल्लम से महब्बत पैदा करने की कोशिश करें अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वाकयात बताकर बच्चे के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और एहतराम पैदा करने की कोशिश करें आप पर ईमान लाना आपकी बातों पर यकीन करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना इसका शौक़ उसके अंदर पैदा करें कि हमारे नबी की सुन्नत है ऐसा करना तो ये दो बुनियादें अगर सही हो जाएं तो बाकी सारी ज़िंदगी सही हो सकती है तो पहले मरहले में बच्चे को अल्लाह और उसके रसूल के बारे में हम सिखाएँ अल्लाह से जोड़ें रसूल से जोड़ें नंबर एक नंबर दो सबसे बड़ा फरीज़ा जिसका कयामत के दिन सबसे पहले सवाल होने वाला है और ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी में अगर सही तौर से आ जाए तो ज़िंदगी संवर सकती है वह है नमाज अल्लाह के नबी सल्ला ख़ुद फ़रमाया कि अलुमायू हा सब भी ला अब दू योमक़्यामत अमल ही सलात हो क़ियामत के दिन सबसे पहले बंदे के अमाल में से सवाल होगा तो वह नमाज का होगा तो शुरू मरहले ही से बच्चे को नमाजी बनाया जाए इस एतबार से भी कि नमाज का इंसान के अखलाक और किरदार पर असर पड़ता है उसको सुधारने में नमाज एक बहुत बड़ी चीज है जिसे अल्लाह ने फरमाया कि इन न तनहा वल मुनकर नमाज यकीनन रोकती है बेहयाई और बुराई के कामों से तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा बने उसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्स से पहले नमाज का कोर्स कराए क्योंकि नमाजी वो बन जाए सही मानों में अल्लाह की अज़मत को याद रख के अल्लाह का बंदा बन के अल्लाह के सामने खड़ा हो और अल्लाह की तरफ से लगी हुई पुकार पर मस्जिद पहुँच के अल्लाह के आगे अपने आप को झुकाना अल्लाह की बड़ाई को मानना ये ऐसा जहन उसका बन जाए नमाज अल्लाह का हुक्म है तो नमाजी अगर वो बन गया तो बाकी ज़िंदगी में बुराइयों से बचना उसके लिए आसान होगा फिर नमाज ज़िंदगी में आएगी तो अल्लाह रबालमीन की मदद भी आएगी वस्तयीन भी सब्र सलाह सब्र और नमाज के ज़रिए से अल्लाह ताला से मदद चाहो तो नमाज अगर ज़िंदगी में होगी अल्लाह की मदद भी आएगी बच्चे को नमाजी बनाए हमारे यहाँ पर आम तौर से बच्चा है बाप फजर की नमाज के लिए जा रहा है बच्चा दस साल से ज्यादा है अब देख रहा है सो रहा है सोचता बहुत पढ़ाई करता है जाने दो स्कूल स्कूल तो जाना वैसे भी उठेगा ही अभी थोड़ी देर में अगर नींद अभी नहीं हुई पूरी स्कूल में सोएगा पढ़ाई का नुकसान होगा क्या होगा पढ़ाई का नुकसान होगा बहुत मेहनत करता है बहुत अच्छे नंबर लाता है सोने दो बल्कि अगर देखेगा कि अकड़ के सोया इस तरह से सर्दी के मौसम में तो प्यार से क्या करेगा चादर भी उड़ा देगा सो जबकि वो चौदह साल का है सोलह साल का है दसवीं में है लेकिन अभी बोर्ड के एग्जाम से ना तो अल्लाह ने नमाज के मामले में थोड़ा आसानी रखा है नहीं भी पढ़ा तो चलता पढ़ाई चलेगी नमाज पढ़ना छोड़ सकते हैं पढ़ाई जरूरी है तो ये जो मिजाज हमारा है ये बिगाड़ की वजह है असल बुनियाद ही है हमने उसको अल्लाह का नहीं बनाया और चाहते कि हम हमारा बने वो हमारा वो तब बनेगा जब वो अल्लाह का बनेगा तो हम अल्लाह का बंदा बनाने की उसको कोशिश करें नमाज दस साल का हो गया और नमाज नहीं पढ़ता है सजा दो सात साल से उसको नमाज सिखाएं अपने साथ लेके नमाज़ पढ़ें माँ बच्ची को अपने साथ लेके जाओ जल्दी से वजू करके आओ जल्दी नमाज पढ़ना है वो गई जाके मेरे बाजू में कर रुको हाँ बच्चे बोलते हैं जमा खड़े नहीं होना मैं आता हूँ ठीक है जब तक रुके रहे धोखा नहीं देना उसको जा तू वजू करने मैं अपनी नीयत बांधी देखो धोखा दे दिया वादा खिलाफी की नहीं रुको उसके लिए आया जल्दी से आके खड़ा होगा यहाँ आके खड़ा होगा सीधे यहाँ बेटा यहाँ मार के नहीं कि यहाँ खड़ा हो कितनी बार सिखाऊं नहीं प्यार से उसको अब अब्दुल्ला अपने अब्बास अल्लाह तुम आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मैमुना रदी अल्लाह तै के हाथ थे आपकी जोजा महतरमा इब्न अब्बास छोटे बच्चे थे नौजवान के करीब की उम्र थी कहते मेरे दिल में ख़्याल पैदा हुआ कि मैं देखूँगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज़ कैसा पढ़ते हैं हमारे यहाँ फ़रैज़ का मामला ख़तरे में है सहाबा का माशरा आप देखिए एक छोटा बच्चा है उसके दिल में तमन्ना क्या है नंबर एक सुन्नत मालूम करना है उसको किस चीज में नमाज में कौन से वक्त में तहजुद के वक्त में उसके लिए वो क्या कर रहा है पूरा तैयारी करके जा रहा है कहा कि मैं भी जाके सोया घर में वहीं रुक गया जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी थी तमई मुना के पास कहा कि मैं सोया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में उठे आपने आंखें इस तरह से मली उसके बाद आप बाहर गए बाहर जाके आपने आसमान की तरफ देख के आए थे पड़ी इन ना नहार यहाँ तक कि वकीन बन बनार तक को आपने पढ़ा और फिर आप अंदर आए आने के बाद में आपने मिसवाक की वजू किया और खड़े होकर नमाज पढ़ी कहते मैं भी जाके खड़ा हो गया बाजू में लेफ्ट में खड़ा हो गया मुक्तदी को कहाँ खड़ा होना चाहिए राइट में सीधी तरफ आपने मेरा कान पकड़ के पीछे से मुझको अपनी दाईं तरफ लिया फिर नमाज में थोड़ा सा मुझको ऊंक भी आने लगती थी तो आप मेरा कान पकड़ के मुझको जगाते थे नमाज़ी में और आपके साथ मैंने नमाज पढ़ी तो आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बच्चा है आप प्यार से सिखा रहे और बच्चों का मिजाज देखिए बच्चों का शौक देखिए कि उस देखना चाह रहे अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम की नमाज कैसी है आज हमारे यहाँ बच्चों को उम्रें चली जाती हैं कॉलेज में जाने लगता है उसको नमाज मालूम नहीं होती है और मालूम हो भी तो नमाज की अहमियत मालूम नहीं होती है और अगर मालूम हो भी तो उसकी ज़िंदगी में वाकई अमलन नहीं होती क्यों क्योंकि घर में कोई बोलता ही नहीं मैं कॉलेज नहीं जाऊं बोलते हैं एक्स्ट्रा क्लास नहीं जाऊं बोलते हैं घर के काम काज नहीं करूं बोलते हैं लेकिन नमाज के बारे में नहीं बोलते हमारी ज़िंदगी में नमाज की अहमियत की कमी की वजह से हमारे बच्चों के अंदर उसकी अहमियत की कमी होती है तो ये होना चाहिए नमाज तहारत उसको बताया जाए पेशाब पाखाना पाकी नापाकी उसको बताया जाए बेटे गंदगी में हाथ नहीं डालते हैं ऐसा नहीं करते हैं सफाई ऐसा करते हैं पेशाब के बाद इस तरह से धो लेना चाहिए शर्मगाह को नजास्त है ये पेशाब वजू ऐसा करते हैं देख मैं कैसा कर रहा हूँ कुल्ली करेंगे उसके बहा धोएंगे कुल्ली करेंगे चेहरा धोएंगे हाथ मसा इस तरह से करते हैं देखा हाँ फिर कभी उसको बोला तू कर मैं देखता हूं और इंकरेज किया उसको एनकरेज किया उसको हाँ माशाल्लाह एकदम सही किया लेकिन ये ऐसा ऐसा थोड़ा सा ऐसा है इसको ऐसा नहीं करते सिखाया उसको तो तहारत और नमाज उनको सिखाई जाए नमाज में कौन सी नमाज फजर की वर की असर की मगरिब की इशा की नमाज़ों के नाम उनको बताए जाएं, याद दिलाएं। कौन सी नमाज़ की कितनी रकात हैं वो उनको सिखाएं। उसके साथ सुनन कितनी होती हैं वो बताएं। नमाज के लिए नमाज में क्या क्या आमाल होते हैं त्याम रुकू सज्जा उनको नमाज के अंदर अतहियात वगैरह जो भी हैं सूरतें याद दिलाएँ उसकी दुआएं सिखाएं अतहियात वगैरह में जो पढ़ते हैं वो सिखाएं जनाजे की नमाज ईद की नमाज़ जैसे वो तरक्की करता चला जाए सिखाएं उनको और ये वो उम्र है जिसमें मेमोराइज़ेशन बहुत इजी होता है बाद की उम्र में मुश्किल पड़ता है तो जितनी नमाज के अकवाल हैं और अफ़ाल हैं उनको याद दिलाएँ और नमाज का अहतमाम उनकी ज़िंदगी में आए इसकी निगरानी करें कि नमाज़ जिंदगी में आएगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो रही है आखिरी वक्त है और आप सल्लल्लाहु सल्ला उसको क्या कह रहे हैं अस्सलाह अस्सलाह वमा मलकत ऐम को नमाज नमाज और अपने ग़ुलामों का ख्याल रखना मालूम यह हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में उम्मत को जो पैगाम दे रहे थे वो नमाज की अहमियत से नमाज की अहमियत ज़िंदगी में होना चाहिए हमारे बच्चे बच्चे की ज़िंदगी में नमाज की अहमियत होनी चाहिए तो ये माहौल हमारे घर का हो हमारे घर में कोई बेनमाज़ी नहीं होना चाहिए हमारे घर में कोई नमाज कज़ा करने वाला नहीं होना चाहिए पढ़ाई अपनी जगह लेकिन नमाज नहीं छोड़ी जाती है ये घर का कानून होना चाहिए तो फरमाया मोर सभी अब सलादा बल सब ऐसी अपने बच्चे को नमाज सिखाओ मालूम कि फ़र्ज़ है माँ बाप पर माँ बाप पर ये क्या है लाजिम है मुरुसबी सलाती, इधा बल सबसिन अपने बच्चे को नमाज सिखाओ जब वो सात साल का हो जाए वह इदा बलगा शरासिन फ़्रिबू वालै फिर जब वो दस साल का हो जाए और नमाज में कोताही करें ना पढ़ें तो फिर नमाज की वजह से उसे सजा भी दो तो ये हमारे घर में होना चाहिए क्यों इसलिए कि जब वो बालिग हो चौदह पंद्रह साल का हो जाए बालिग हो जाए तो बालिग होते होते नमाज की अहमियत इतनी उसके दिल में बैठ जाए कि वो तब तक बेनमाज़ी ना हो तब तक बेनमाजी ना हो नमाज़ ज़िंदगी में होना चाहिए तो बच्चे को नमाज सिखाएं और नमाज सिखाएं ही नहीं बल्कि नमाजी बनाएं हमारे बच्चे नमाजी होना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफ़िन भी मस्जिदों में नमाज़ के लिए आते थे वो ऐसा माशरा था डरता था आदमी बेनमाज़ी होने को मुसलमान नहीं रह के भी नमाज़ पढ़ता था अंदर से काफ़िर हो के भी लेकिन आज हमारे अपने माशरे में हम देखें कि नमाज़ों में पब्लिक नहीं है चौराहे पे पान की दुकान पे नाई की दुकान के बाहर चौक में यहाँ वहाँ पब्लिक है एंटरटेनमेंट घर में पढ़े हैं ऐसी बस नमाज नहीं पढ़ रहे खुतिन को देखिए जिस जिस कौम में नमाज ना हो उस कौम में असलाह आ सकती है नहीं आ सकती है तो हम चाह रहे हैं बच्चा बने पर हम उसकी शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं ये भी हमको देखना ज़रूरी नमाज नमाज होना चाहिए इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने रिवायत किया है सही जाम सगीर हदीस नंबर पाँच हज़ार आठ सौ सड़सठ हदीस सही है नंबर तीन कुरान की तालीम बच्चे को देना कुरान की तालीम देना क़ुरान की तालीम क्या है बच्चे को कुरान पढ़ना आए और बच्चे को कुरान के कुछ हिस्से याद हों इन दोनों का अहतमाम करना कुरान अलिफ बाता से लेकर फिर कुरान उसकी तजवीद उसको पढ़ना बच्चे को आना चाहिए फिर जैसे जैसी उम्र जाएगी वैसा वैसा वो सीखेगा लेकिन उसको जैसे ही वो पढ़ना शुरू करें अलीब्बाता उसको पढ़ाना आप उसको अब बहुत मुश्किल पढ़ता स्कूल में तो पढ़ रहा उर्दू पढ़ रहा या इंग्लिश पढ़ रहा और उसके साथ फ्रेंच भी पढ़ रहा लेकिन अरबी नहीं पढ़ सकता वो आप पढ़ाएंगे तो पढ़ेगा वो आप ही पहले से नई किफात दे रहे नहीं हो सकता बहुत मुश्किल है कैसा होगा आप कुरान पढ़ाएं उसको कोई अच्छा मालिम देखें जा जाके उसके पास बच्चा पढ़े अलाम युता वाला या अतिमा कहते इल्म के पास जाना पड़ता है इल्म खुद चल के नहीं आता बच्चे को आदत डाले करीब की कोई मस्जिद इसलिए इसमें यह भी है कि घर सही जगह लेना हाँ आदमी क्या करता बहुत जगह पे लेना अपने को एक भी मुसलमान नहीं मस्जिद नहीं कुछ नहीं फिर सब सारी खुराफात न्यू ईयर मनाएगा क्रिसमस मनाएगा दिवाली मनाएगा सब मना रहा है गुलाल भी खेल रहा है उसका बच्चा रंग बिरंगा होके आ रहा पूरा तो पास जगह आपने लेके बड़ी सोसाइटी में लेके आपने क्या किया उस बड़ी सोसाइटी में रह के आप ऐसे बन गए आपकी फैमिली ऐसी बन गई कि जन्नत की सोसाइटी में बसने लायक नहीं है घर ऐसी जगह लीजिए मस्जिद के करीब मस्जिद भी कैसी जहाँ अहले हदीस माल्म मिलता हो ऐसी मस्जिद सलफी मस्जिद के करीब घर लीजिए। मस्जिद पे तो कोई लेबल नहीं होता है मस्जिद अल्लाह का घर है सबके लिए खुला है भाई कोई परेशान ना हो नाराज ना हो भाई लेकिन इमाम कैसा हो काला काला वो बच्चे को भी वही सिखाएगा मस्जिद के मकतब में बच्चे को भेजिए जाए वो रोजाना जाए नहीं गया क्यों नहीं गया क्या वजह थी आज नहीं जाने की आइंदा ऐसा होना नहीं चाहिए जाओ उससे काम लो जिस दिन भी छुट्टी करेगा एक हजार मरतबा सॉरी लिखना पड़ेगा देखिए पिटाई मत कीजिए पिटाई क्या होता बच्चा एक वक्त बाद मारेंगे ना और करेंगे क्या दो थप्पड़ लगा देंगे खत्म उतना बर्दाश्त कर लो उसके बाद छुट्टी एक हजार बार जब सॉरी लिखना पड़ता वो आज के बाद आज के बाद नहीं करूंगा हाँ ठीक है बेटा मालूम पड़ा उसको लिख ना बेटा पूरा सौ लिख हजार लिख लिख तू कंप्लीट कर मैंने माना तेरी बात यकीन तू नहीं करेगा कैसे करेगा तू हाँ एक हजार बार जब लिखना पड़ेगा मैं मकतब की छुट्टी नहीं करूंगा बिलाव कितने बार लिख रहा पांच सौ बार पांच सौ बार देख के उसका चक्कर आ रहा उसको सजा कैसी होना चाहिए दम की बिरयानी समझता ऐसी खत्म ऐसी नहीं रहना सजा ऐसी रहना जिसमें इंजरी ना हो और मेमोरी बन जाए यादगार हो उसमें इंजरी नहीं होना और उसमें ट्रेनिंग हो हैंड राइटिंग बन रही ना बच्चे की तो अच्छे लेकर देखो बच्चा शुरू में अच्छी नहीं थी लेकिन देखो नौ के बाद कितना तो खूबसूरत लिख रहा हा। वो भी देखता अच्छा ऐसा भी है कि आइंदा उसको बोलेंगे एक हजार बार लिखना है नहीं जल्दी दौड़ते दौड़ते जाएगा वो हाँ टोपी ऊपर पहन के जाएगा उल्टी टोपी पहनेगा लेकिन भागेगा सीधा तो उसको आप ऐसी सजा दो लेकिन मकतब में छुट्टी नहीं होगी ऐसा होना चाहिए स्कूल के बारे में हम करते हैं मकतब के बारे में क्यों नहीं इसलिए कि मकतब का इंपॉर्टेंस हमको नहीं है उसकी अहमियत हमको नहीं है चल चलता हो नहीं तो कल जीग लेगा ना क्या इसके बारे में नहीं सोचते आज नहीं तो कल इंग्लिश आ जाएगी आज नहीं तो कल मैथ्स आ जाएगा आज नहीं तो कल पढ़ लिख लेगा नहीं उसमें अहमियत देती इसकी अहमियत नहीं है तो उसको हम क़ुरान सिखाएँ अल्लाह का कलाम है वो लउनादल कुरआन आला जब लह श्याम तसद्यामिन खशियत अगर इस कुरान को हम पहाड़ पर नाजिल करते तो, तो देखता कि अल्लाह की खशियत से पहाड़ क्या हो गया है रेजा रेजा हो गया है तो ऐसा अजीम कलाम है सारा दुनिया भर का आप पढ़ा रहे हो उसको शेक्सपियर पढ़ा रहे हो उसको और न जाने मिल्टन और हिल्टन सब पढ़ा रहे उसको आप और आप उसको कुरान नहीं पढ़ा रहे कुरान अल्लाह का कलाम है उसके अल्फाज ही नहीं भी समझे तो उसमें असर है आप देखिए कितने मुसलमान और रोने लग जाते हैं सिर्फ कुरान सुनते हैं तो इंटरनेट पे कई ऐसे वीडियोज आपको मिलेंगे कि कोई मुसलमान कोई गैर मुस्लिम बोला जरा सुनो इसको अब वो सुन 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 रहा 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 उसको लग रहा, मेरे को बहुत सुकून लगा सुन के क्या ये बोले मालूम नहीं कौन सा गाना है बोल रहा हो। लेकिन क्या है मुझको मालूम नहीं क्या है लेकिन बहुत अच्छा लगा है एकदम सूदिंग है एकदम अंदर से ट्रांकुलिटी पैदा हो रही है एकदम सुकून महसूस हो रहा है इस कलाम से अपने बच्चे को काट के हम चाहते हैं कि वो अच्छा बने उसको हम कुरान पढ़ना सिखाएं बेटा रोज़ाना पढ़ना सिखाएं भी और कैसा हो वो कुरान पढ़ने वाला हो उसको एक हिस्सा रोज़ाना कुछ ना कुछ वो पढ़े हम भी सुने बेटा पढ़ के सुनाओ आज क्या पढ़ें क्या सीखे वो बच्चा पढ़ के सुना रहा है इनक्रेज कीजिए उसको उसको इनक्रेज कीजिए वो कुरान पढ़ने वाला हो कुरान याद दिलाइए उसको मेमोराइज़ कराइए उसको हिफ्ज़ करे सूर फातिहा पढ़े छोटी छोटी सूरतें याद करें जो नमाज के लिए ज़रूरी हैं जाहिर बात है जब नमाज उसको जरूरी है तो उसके लिए कुरान भी जरूरी है तो कुरान पढ़ने वाला हो कुरान सही पढ़े वो उम्रें निकल जाती लोगों की लेकिन कुरान सही नहीं पढ़ते आन सौद पीन सौद वैल का सब एक खानदान के बना दिए हैं हाँ भी वैसा आयन भी वैसा तो ये नहीं होना चाहिए ये अल्लाह का कलाम है उसको सही ढंग से पढ़ा जाए कोई बाज़ात दुआ मांगते मौली साहब लड़ बेटा होने के लिए कोई दुआ है क्या ठीक है डाल दी मौली साहब दुआ कॉपी पेश करके आयत भेज दिए ये दुआ है और अब भी हबली मिन या कोई दुआ भेज दी अब दूसरा मैसेज आता उसके बाद क्या रोमन में भेज सकते क्या मुसलमान है कुरान नहीं पढ़ सकता है अरबी नहीं पढ़ सकता उम्र चली गई बेटा होने वाला है लेकिन अब तक ये कुरान नहीं सीखा इसने रोमन में बाज़ उलमा ने कहा यह जायज ही नहीं रोमन में लिखना कुरान की आयतों को क्यों आप आइन अलीफ दाल, कैसा करेंगे उसको कैसा समझेगा उसको क्या है नहीं बोले वो रहता ना उसका उस पर डॉट देने का रहता उसको नीचे लाइन रहती अच्छा भी सीख लेता भाई उतनी सारी जो उसके लेटर्स हैं, वो लेटर सीखने के बजाय भी सीख लेता तो बच्चे को नहीं सिखाने की वजह से बाद की उम्र में उसको नहीं आता पढ़ने कुरान किसी को आप बोले चल आज इमाम साहब नहीं आया जरा आप इमामत करते क्यों बोले मेरे कुरान में बहुत गलतियाँ हैं तो अल्लाह के बंदे उसी गलती के साथ तो इनफ़रादी नमाज़ पढ़ रहा है इतने सालों से तूने कभी नहीं सोचा खाली इमामत में डर रहा फजीहत के लिए लोगों के सामने बेज़ती लेकिन तू तो अल्लाह के सामने तो वही कुरान पढ़ रहा है तो तेरे को एहसास नहीं बेज़ती का इन लोगों के सामने बेज़ती का एहसास है और रबाल आलमीन के सामने बेज़ती का नहीं कि अल्लाह देख कैसा गलत गलत पढ़ रहा तेरा कलाम में क्या अल्लाह तला खुश होगा कि मेरा कलाम जो इतना अजीम अजीमशान कलाम है सारे कलाम पे इन किताब अल्लाह सारे सारी बातों में सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की बात है वो कलाम उसको बिगाड़ के पढ़ रहा आप सोचिए अल्लाह ताला पसंद करेगा इस बात को नहीं अच्छे से पढ़े कुरान को तो अपनी औलाद को ये सिखाएं एक अच्छा सा मालिम देखें उसके पास पढ़ाएं कुरान उसके पास पढ़ाएं ये भी ना करें कि किसी बिदाती के पास भेजते हैं। बच्चा पार्टी इनको चुप उठाएं आप लोग सुनेंगे ध्यान से हां जो भी बात करेगा उसको एक हजार बार लिखने लगाना है नहीं तो कुरान बच्चों को सिखाएं खुद भी सीखें बच्चों को भी सिखाएं अल्लाह के नबी वसल्लम फरमाते हैं खैरुक हो तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए कुरान को सीखे और सिखाए मालूम है मालू कि खैरियत कुरान के सीखने सिखाने में है। खैर घर में कैसे आएगी हम चाहते हैं घर में खैर और बरकत आए कुरान टांग दिया घर में खैर आ रही है कुरान पढ़ जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उसमें बकरा पढ़ी जाती है उसके अंदर शयातीन आते हैं नहीं आते भाग जाते वहाँ से कुरान पढ़ने से घर में खैर आती है कुरान टांगने से नहीं दो चार आयतें लगा दी हाँ घर बना ली हाद अमिन फजल रब्बी नहीं या घर में कुछ और आयतें लगा दी तो ये नहीं करना घर में कुरान पढ़ना रोज़ाना अगर माँ पढ़ती है बच्ची सुनेगी अगर बाप पढ़ता है बच्चा देखेगा बच्चा भी पढ़ेगा भले एक सफ़ा पढ़े एक रुकू पढ़े एक आयत पढ़े लेकिन पढ़े वो पढ़े वो रोज़ाना ये मामूल हमारा बनाना और बच्चे को सुनाना पढ़ के सुनाना बच्चे को तो बच्चा वो याद रखेगा कि हमारे घर में हमारे घर में कुरान पढ़ा जाता था वो भी इसी पर अमल करेगा कुरान पढ़ना घर के अंदर तो ख़ुद सीखना बच्चों को भी सिखाना अगर आपको आता है आप सिखाइए अगर करीब में कोई मस्जिद नहीं है कुछ मसला है ठीक है आप सिखाइए अगर आपको आता है तो रोजाना थोड़ा 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 और ख़ुद पढ़िए उसको पढ़ने की तलकीन कीजिए ख़वातीन अपनी बच्चियों को सिखाएं ख़ैरक तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए फिर अगर पढ़ना आता है तो फिर छोटी छोटी सूरतों के तर्जमे उनको याद दिलाएं अहद कहो वो अल्लाह है यकता एक समद अल्लाह समद है वो किसी का मोहताज नहीं सब उसके मोहताज हैं लम यलिद वमय यूलद उससे कोई औलाद नहीं हुई न वो किसी के औलाद हुआ न वो किसी के औलाद है ना उससे कोई पैदा हुआ न वो किसी से पैदा हुआ वलम वलमुल्ल हुकुफ और कोई नहीं जो उसकी बराबरी का हो बच्चे को याद दिलाइए, ये।, ये उसकी जहन में बैठ जाएगा बच्चों को बहुत फास्ट याद होता लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं जैक कैंजिल वेंट अप द हिल और यही उसको सिखा रहे हैं हम वन टू बकल शू यही सिखा रहे हैं उसको हम लोग लेकिन हम उसको ये नहीं सिखा रहे कुरान की सूरतें नहीं सिखा रहे उसके वक्त जा रहा है टाइम इज पासिंग वक्त गुजर रहा गुजर रहा गुजर रहा उसका अहम तरीन हिस्सा जिंदगी का जा रहा और आप जिम्मेदार हैं उसके कि आपने उसको सही यूटिलाइज नहीं किया बाद में मुश्किल पड़ेगा बाद में सुनता भी नहीं वो इधर आ रहे बोले तो आरा आरा बोल के जाता आ रहा बोलता लेकिन आता नहीं तो बाद में हाथ में नहीं आएगा आपके वो अभी आपके हाथ में अभी सिखाइए उसको तो कई रुकमान वो इमाम ने इसको रिवायत किया है फजायल कर्न में हदीस नंबर पाँच हज़ार सत्ताईस पर अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सबसे बेहतर बने उसकी शुरुआत कहाँ से होगी कई रुकम तुम में सबसे बेहतरीन कौन जो कुरान को सीखे और सिखाए आप सिखा के बेहतरीन बन सकते और आपका बच्चा सीख के बेहतर बन सकता है तो घर के अंदर ये माहौल होना चाहिए नंबर चार इस्लामी आदाब की तालीम अपने घर में इस्लामी रहन सहन सिखाया जाए दाएं हाथ से खाते हैं खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोलते हैं और दस्तरखान बिछा के खाते हैं गिर गया तो उठा के खाते हैं और खाने के बाद ये दुआ पढ़ी जाती है लिबास में दायां आस्तीन पहले डालेंगे दाया पाइचा पहले पहनेंगे उतारते वक्त ऐसा करेंगे बैतुलखला में जाएंगे, बाया पांव पहले रखेंगे मस्जिद में जाएंगे, दाया कदम पहले रखेंगे और मस्जिद की ये दुआ हैं घर से निकलते वक्त ये दुआ हैं आदाब इस्लामी जो इस्लाम के आदाब हैं जो माशरती आदाब हैं वो सिखाएं बच्चों को ये बच्चों को आना चाहिए पेशाब पाखाने की सफ़ाई कैसे की जाती है ये सारी चीज़ें जो जो माशरती जिसको दाएँ करवट पर सोना और दानी सोना और सोते वक्त ये दुआ पढ़ना नींद से उठ के ये दुआ पढ़ना ये बच्चों को सिखाया जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं मन्ना सब जो तीन बच्चियों की बेटियों की परवरिश करे व अदब उन्ना वजन व आहसना वो उन तीन बच्चियों को बेटियों को अदब सिखाए उनका निकाह करके दे और उनके साथ एहसान का सुलूक करें फलाहुल जन्न उसके लिए जन्नत लाजिम है सबसे पहले क्या बयान किया अदबहन उन्हें बा अदब बनाए बच्चियों को हम ब्यूटी पार्लर में भेज रहे खूबसूरत बनाओ रिश्ते आना चाहिए उसको हम पढ़ा रहे लिखा रहे अच्छी डिग्री दिलाओ जल्दी से शादी सही ढंग का रिश्ता उसको आए बल्कि कुछ लोग पढ़ लिख के कल को अगर तलाक हो तो अपने पांव पे खड़ी होना चाहिए कितनी दूरअंदेशी सोच रहा तो कहां तक सोच रहा हो तलाक तक है। कि कल को अगर तलाक हो जाए तो अपने पांव पे ये खड़ी होना चाहिए तो हमारी सोच पूरी दुनियावी है हदीस क्या बता रही फहुन उसको अदब सिखाए उसको बिल्कुल जिंदगी में डिसिप्लिन बनाए अदब सिखाने का मतलब क्या है डिसिप्लिन बनाए उसको कि वो कल को पराय घर में जाएगी ससुराल में जाएगी वहाँ बा जिंदगी की वजह से वो लोगों का दिल जीतेगी दुश्मन को भी दोस्त बनाएगी उसका शोहर उससे खुश रहेगा बच्चे होंगे तो बच्चों को भी अच्छा इंसान बनाएगी शोहर में अगर भलाई है भलाई में मदद करेगी बिगाड़ है उसको सुधारेगी वाहन उसको बा अदब बनाए बा और बासूल बनाए अपनी बच्चियों को हम क्या सिखा रहे हैं उसको दुनिया का पढ़ा रहे हैं ठीक है कोई मना तो नहीं है उनको हर हिसाब से बेहतर बनाने के अच्छे से अच्छे कपड़े ला रहे हैं उनके लिए जेवर ला रहे हैं उनको खूबसूरत बनाने के लिए उबटन से लेकर सारी चीज़ें माँ सिखा रही है उसको देख यूट्यूब में भी अच्छा वीडियो मिला हाँ व्हाट्सअप पर माँ बेटी को भेज रही ऐसा कर जरा चेहरा तेरा हाँ कैसा होगा रौनक आएगी चेहरे पे लेकिन देखिए खूबसूरती नंबर टू है खूबसूरती नंबर एक है असल सूरत नहीं है असल सीरत है कि इंसान की शख्सियत अच्छी हो फिर उसकी सूरत अच्छी नहीं भी हो तो खूबसूरत दिखता हो अगर उसकी उसका कैरेक्टर अच्छा हो तो कि हमारे एक आंखों में हमारी एक इमेज होती किसी की और एक हमारे दिल में इमेज होती है किसी की याद रखिए इसको। दिल पे जो असर पड़ता है वो उसके कैरेक्टर का पड़ता है आंखों में जो है उसकी खूबसूरती दिखाई देती है लेकिन दिल पे जो असर पड़ता है उसकी शख्सियत का असर पड़ता है हमारी बच्ची इतनी अच्छी हो कि उसकी सांस उसको छोड़े नहीं उसको बेटी से ज्यादा चाहे वो ऐसी बाखलाक हो उसका कैरेक्टर ही ऐसा हो कि बुराई करने वाले के साथ भलाई करे खिदमत करके दिल जीते अपनी जुबान के जरिए से लोगों में दिलों में उनके असर पैदा करे अपनी दीदारी के जरिए से वो घर के माहौल को खैर बरकत वाला बनाए अपनी तकवा और परहिजगारी की वजह से वो अपने शोहर का एतमाद जीते और खिदमत करके घर को जिधर का उधर रखे हो। वो घर की वह हाकिम बन जाती हो उसकी टेरिटरी होती हो सब उसको चाहते हैं सब उसको चाहते हैं क्यों इसलिए कि वो सबका सोचती है सबका क्यों सोचती इसलिए कि वो रब का सुनती है वो अल्लाह आलमीन अपने से ज्यादा वो दूसरों का सोचती है ऐसा अच्छा इंसान उसको बनाए कि वो जहाँ भी जाए लोगों का दिल जीते फिर वो खूबसूरत हो ना हो फर्क़ नहीं पड़ता को खूबसूरत देखिए दुनिया में लोग क्या करते हैं जो उनके लिए भला हो उसको चाहते हैं ये नहीं कि खूबसूरत है तो चाहते हैं उनके लिए मेरा इसमें क्या फ़ायदा है तो एक इंसान हमारी बच्चियां ऐसी बने कि जिस घर में जाए लोगों को लगे हमारे घर में भलाई आई हमारे घर को इसने अच्छा बनाया हमारे घर के लिए भलाई है बेटे के लिए माँ के लिए बाप के लिए ससुर सास सब जितने भी घर के लोग हैं सब के लिए तो क्या कहा मनाला बना तीन जो तीन बच्चियों की परवरिश करे और बहुन उन्हें बादब बनाए उन्हें अदब सिखाए महज्जब बनाए डिसप्लिन बनाए वजहन और उनका निकाह कर दे वह अहसन अलहिन और उनके साथ एहसान का सलूक करें उमूमा बच्चियों को बोझ समझा जाता है ना तो बार बार वो चीज़ सामने आती है कभी तो ऐसा नहीं उनके साथ अच्छा सुलूक करें आहसन अले हिन्द फल जन्न उसके लिए जन्नत है तो जवाज से कबल क्या जिक्र किया निकाह करके दे से पहले क्या है उन्हें अदब सिखाए तो बच्चों को बच्चियों को बच्चों को भी सिखाए बच्चों को भी सिखाए इमाम अबूदाऊद ने इसको रिवायत किया है सही तरगीब हदीस नंबर एक हज़ार नौ सौ तिहत्तर और शेख अल्बानी कहते हैं यह हदीस सही गई रही है आप देखें बच्चों के बारे में उमर अबी सलमा कहते हैं कं तो ग़ुला हजर रसूल अल्लाम मैं अल्लाह के रसूल वसल्लम की परवरिश में एक लड़का था अभी आदमी नहीं बना था लड़का ही था बस और नबी अलैहि वसल्लम की मातहती में था आप मुझे संभालते थे वह नतीदी ततीशुफ सहफती मेरा हाथ पूरी प्लेट में घूमता था खाना जब खाते थे अल्लाह के नबी सल्ला के साथ में तो बच्चे कैसे होते हैं उनका कोई एक डायरेक्शन नहीं होती खाने में हाँ टेरिटरी पूरी प्लेट उनकी होती है तो पूरी प्लेट में कभी इधर हाथ डाल रहे कभी इधर से खा रहे कभी उधर से खा रहे घुमा रहे ऐसा बच्चे खाते कम खेलते ज़्यादा तो वो खा न अली रसूल लाही सल व्म या ग़ुला सुल भी अमीन एक वो कुल मिममा अलीक का लड़के ए बच्चे अल्लाह का नाम लेके खा अपने दाएं हाथ से खा और अपने सामने से खा तीन नसीहतें की क्या कर अल्लाह का नाम लेने बिस्मिल्लाह बोल के खा और अपने सामने से खा अपने दाएं हाथ से खा सीधे हाथ से और अपने सामने से खा और साहबी कहते हैं का जब आपने मुझे नसीहत कर दी इसके बाद से हमेशा मेरा खाने का यही तरीका रहा जो आपने मुझको सिखाया बिस्मिल्लाह बोल के खाना सीधे हाथ से खाना और हाथ से खा यानी अपने सामने से खाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नबी हूँ मैं हाई लेवल की बातें सिखाता बड़े बड़े बैठते मेरे सामने अबू बकर वो उमर, बच्चे को मैं सिखाऊँ क्या उम्मे सलमा से कहा इसको कुछ सिखाया कि नहीं तुमने कैसा खाना ही? क्या ऐसा खा रहा है हम लोग क्या है हम लोग नेगेटिव मेंटालिटी वाले लोग हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त देखा बच्चे को आपने डांटा ना डपटा आपने क्या किया क्या करना है बताया हम लोग कैसा करते हैं खाने का तरीका है अकल नहीं है तो हम लोग पूरे उल्टी गाड़ी चलाते हैं हम लोग इंटरोगेशन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि ये सब नहीं किया आपने क्या कहा डू ये करो बच्चों को ही तरीका होना चाहिए हम लोग क्या करते हैं बच्चा शरारत किया इधर आ, क्यों चिल्ला रहा वो सोचता इसमें गोल मेरा क्या था मैं मालूम नहीं क्यों चिल्ला रहा था उसको क्या मालूम क्यों चिल्ला रहा बच्चा है हो बच्चा वो चिल्लाएगा वो हम क्या करते हैं उसको क्यों चिल्ला रहा है ऐसा तो वो सोचता है ये डांट रहे हैं कि वाकई वजह पूछ रहे समझ में नहीं आ रहा यानी इसमें हिकमत क्या है मेरे चिल्लाने में बताओ उनको क्या तो हमको खुद मालूम नहीं हम क्या बोलते हैं उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है बोलना रहता बस ऐसे अंदाज में उनको नहीं बोला जाए कि समझ में नहीं आया उनके उनको अदब सिखाया जाए देखो पहले दाएं हाथ में दाएं पांव में जूता पहनते हैं उसके बाद बाएं में ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं ऐसा नहीं करना बेटा आप उसको प्यार से समझाओ मोहब्बत से समझाओ उसको बताओ जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया छोटी छोटी चीज़ें सिखाना उसको उनकी गलती कितनी थी एक वो, वो खुद बता रहे अपने बारे में कि मेरा हाथ पूरी प्लेट में घूमता था लेकिन आपने उनको एक चीज नहीं सिखाई कितनी सिखाई तीन आपने देखा बच्चा ऐसा कर रहा है इसको ये चीज़ शायद मालूम नहीं होगी तो आपने उसको बोला बिस्मिल्लाह बोल के खा और उससे पहले क्या कहा बच्चे बिस्मिल्लाह बोल के खा दाएं हाथ से खा और अपने सामने से खा सीक्वेंस आप देखिए तरतीब बराबर है सबसे पहले क्या होना चाहिए हाँ दाएं हाथ से खा और फिर बिस्मिल्लाह बोल के खा बिस्मिल्लाह बोल सबसे पहले फिर उसके बाद कौन सा हाथ सेलेक्ट कर सीधा हाथ और कहाँ से खा अपने सामने से खा तो मुरतब आपने तरतीब से बताया कि क्या करना चाहिए हमने कभी सिखाया बच्चे को अपने हम डांटते पहले हैं सिखाते बाद में आपने सिखाया उनको सिखाना आदाब सिखाना लिबास खाना पीना सोना जागना और इस तरह की जितने भी एटिकेट जिसको हम बोलते हैं वो उनको सिखाना उनको सिखाना बहुत इजीली वो सीख लेते हैं ये करना ये नहीं करना बहुत इजीली सीख लेते हो कंसेप्चुअल चीजें नहीं सीखेंगे वो जिंदगी का मकसद क्या है इंसान क्यों पैसे के पीछे दौड़ता है वो उसको अभी समझने वाला नहीं है बोला अब तुम्हारी तकरीर कब खत्म होगी मेरे को भूख लगी है। <laughs> उसको ज्यादा बारीक चीजें समझ में आती नहीं इसीलिए एक स्कूल में टीचर पूछा बच्चों को दो और दो कितने तो बच्चा क्या बोला चार रोटी <laughs> भूख लगी उसको उसके दिमाग में रोटियां आ रही दो रोटी दो रोटी कितनी रोटी चार रोटी तो उनका जहन चलता रहता आप उसको एकदम डिसिप्लिन एक दिन में तो नहीं बना पाओगे उसको टाइम दो आप और उसको आप एक एक चीज सिखाते जाओ रिपीट 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 करते 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 इसलिए आप देखिए नमाज का भी क्या बताया सात साल से उसको नमाज सिखाना शुरू करो दस साल पे जाके अगर नहीं पढ़ता है तो पिटाई होगी उसकी बीच के तीन साल काहे है के हैं गिव एम टाइम टाइम दो उसको उसको सिखाते रहो बताते रहो बताते रहो उसको तो उसको हम बताते रहें और वो रिपीट करने से सीखेगा तो आदाब उसको सिखाएं इसी तरह से बच्चों को छोटे बच्चे ख़ासतौर से उनको लिबास के बारे में सिखाया जाए हमारे बच्चे कैसा हैं कमीज पहन के नीचे खाली रहता पूरा घूमते रहता घर में माँ को क्या ऐसा तो बोलती बार बार पेशाब करता ना इसलिए उसको ऐसे ही रख दी तो वो अपनी कोताही के बार बार उसकी क्या है चड्डी पजामा जो भी उसका धुलाना पड़ता है बार बार कौन धोए जरा सा खेल के आता पेशाब करके आ जाता है तो उसको दिन भर क्या रखते हैं एयर कंडीशन में रखते हैं उसको आप बगैर पजामे की उसको दिन भर पूरे गांव में घूम के आ रहा हो पूरे गांव में उससे बच्चे में बेहयाई पैदा होती है उससे बच्चे में बेशरम बनेगा वो और आप बाद में उसको बोल रहे हैं बेशरम कई कैसे ऐसा करता ऐस तो उसमें शर्म आपने बचपन से पैदा की नहीं तो शर्म उसके अंदर होना चाहिए ज़ाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अब्दुल्ल अल्लाह तआला तुम क्या कहते हैं देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में कैसे थे कहते हैं कि लम्मा बुनयत काब जब काबा तामीर किया जा रहा था कुरैश तामीर कर रहे थे وعباس ينقلان الحجاره अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्बास जो आपके चचा हैं वो क्या कर रहे थे यन हिजारा पत्थर उठा उठा के ले जा रहे थे तामीर के लिए फ़काल अब्बास नबी अलैहि वसम आपके चचा हज़रत अब्बास जब आप बच्चे थे आपके चचा अब्बास ने अल्लाह के नबी अलैहि वसलम से कहा इजाइल इज़ा और क्याला और कबती का यकी का मिनल हजार अपनी जो इज़ार है तहबंद है लुंगी उसको क्या करो खोल के क्या करो अपनी यहाँ रखो कंधे पर गर्दन के पास तो ये जो पत्थर उठाएंगे ना तो इससे क्या होगा तकलीफ़ नहीं होगी जख्म नहीं होगा कंधा आज भी कोई भी मजदूर है सर पे कुछ पत्थर उठाना चाहता कुछ भी टोकरा तो पहले क्या रखता कपड़ा रखता उससे क्या होता तकलीफ़ नहीं होती तो कहा कि यहाँ कंधे पर जब उठाएंगे पत्थर तो क्या करो यहाँ इजार है निकाल के यहाँ डाल दो चलता तो क्या करो इज़ार निकाल के यहाँ रख दो यकी यकीा मिन हज़ार फख्रद व وطمحت عيناه हो السماء तो इबन अब्बास ने क्या किया अब्बास तो ने क्या किया कपड़ा छीनने की कोशिश की इज़ार तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्याल से ही और इस तरह की कोशिश से ही क्या हो गए चक्करा के ज़मीन पे गिर गए और आपके आँखें बिल्कुल आसमान की तरफ हो गई इन्हें आ इन्हें फेंटड आप बेहोश होकर गिर पड़े सुम अफाक फिर आपको जब होश आया फारी इजारी, इजारी फद ही इजारा हो आप जब होश में आए तो क्या कह रहे थे मेरी इजार मेरी इजार मेरी तह, मेरा तहबन मेरा तहबन कहा गया अब्बास अबास ने बांध दिया जो तहबन खींचा था उनका यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम उम्री में भी इतने हया वाले थे हमारे बच्चों को भी ऐसा हमको बनाना चाहिए कि बच्चा पेशाब पाखाना करे शर्माए वो घर में बच्चे बच्चियां सभी हैं नंगे बच्चे नहीं घूमें कि एक दूसरे की शर्मगा देखें नहीं होना चाहिए ऐसा खून जब वो बड़े होने लगे नहीं होना चाहिए ऐसा एक दूसरे के सामने वो बरहना नहीं आए ये होना चाहिए ये नहीं कि पूरे गांव में सबके ड्राइंग हॉल में बिठा के उसको पूरा नंगा करके कपड़े पहना रहे और वो भी हाथ कड़े करके पहना उसको कमीज़ और पूरा जो है नंगा खड़ा हुआ है नहीं उसको शुरू से शर्म की आदत डालें और लिबास के आदाब उसको सिखाएं कि लोगों के सामने बढ़ाना नहीं आते लोगों के सामने बढ़ाना नहीं आना चाहिए इमाम अलबुखारी ने अलमनाकब में हदीस नंबर तीन हज़ार आठ सौ उनतीस और इमाम मुस्लिम ने किताबुल हैद में हदीस नंबर 340 पर इसको रिवायत किया है इसी तरह से सातवीं छठी चीज़ ये है कि बच्चों को क्या सिखाया जाए सलाम और इजाज़त तलबी बच्चों को सिखाना चाहिए बच्चे आते हैं स्कूल से बैग लेके आए सीधा घर में आते और आगे सीधा बैग पटक दिया और सीधा किचन में वो लगी बोल के रोना शुरू करते हैं बच्चा आए वापस बाहर जाओ वापस बाहर जाओ सलाम नहीं किए बेटा सलाम करो अंदर आओ कल से करूँगा ठीक है कल तो करेगा आज से शुरू करेंगे हम लोग जाओ बाहर जाओ सलाम करो सीरियसली जाओ बाहर भेजा उसको और असल व बरकातहू बोल के फिर अंदर आया माशाल्लाह, देखो कितना प्यारा बच्चा है बराबर सलाम किया सुनता बात को अंदर लिया आदत डालें उसको वो दूसरे रूम में था मेहमान ड्राइंग हॉल में बैठे हुए हैं बच्चा आया और आते सीधा बिस्किट में हाथ डाल के खा रहा क्या ये जाओ बस सलाम करके आओ देखा ना सब मेहमान बैठे हुए हैं कमरे में जब दाखिल होंगे क्या करेंगे सलाम जाओ सलाम करके आओ एजुकेट करना उसको सिखाना उसको सिखाना मेहमान बोलेंगे जाने तो बच्चा है सही है अभी सिखाने का वक्त है बच्चा है तभी तो सिखाना पड़ रहा है अभी अभी सिखाएंगे तो बड़ा होने के बाद सिखाएंगे उसको जाओ बेटा जाओ सलाम करो और आओ तो सलाम करके आएगा आदत डाली जाए इजाजत तलबी खास करके घर में जब कई कमरे हों छोटे बच्चे हैं बीवी शोहर हैं आपस में दिल लगी कर रहे हैं और बच्चे आगे सामने नहीं होना चाहिए ऐसा कभी बच्चों को कोई कपड़े बदल रहा है कोई कुछ हो रहा है घर में फिर बड़ी फैमिलीज कभी होती हैं बड़ी बहनें होती हैं लड़का भी थोड़ा बड़ा है कमरे में घुस जाता सीधे नहीं नहीं होना चाहिए वो बाहर से इजाज़त मांगे मैं आ सकता हूँ ठक ठक दरवाज़ा कभी भी किसी रूम में बगैर इजाजत के नहीं जाना कभी लॉक अंदर से कर, होता है कभी नहीं भी होता है कभी कोई कपड़े बदल रहा होता है कभी कोई किसी हालत में होता है सोया हुआ है नहीं जाते ऐसा किसी भी रूम में बग़ैर पूछे बग़ैर नौ किए बग़ैर इजाज़त के नहीं जाना इजाज़त तलबी ये होना चाहिए सलाम सिखाया जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं युसलमसग़ीकबीर वलमार्कयद वलकलीलकफ़फ़ी आपने फ़रमाया छोटा बड़े को सलाम करेगा और गुज़रने वाला बैठे हुए को सलाम करेगा और थोड़े ज़्यादा को सलाम करेंगे यहाँ से भी लोग आ रहे हैं यहां से भी आ रहे हैं ये थोड़े ज्यादा है थोड़े ने ज्यादा को सलाम करना नहीं उन्होंने क्यों नहीं करना तो वही सवाल फिर पैदा होगा तो जो थोड़े हैं वो किसको सलाम करेंगे ज्यादा को ज्यादा का जवाब इनको मिलेगा तो सगीर मुसगी कबीर छोटा बड़े को सलाम करेगा तो अदब ये बच्चों को सिखाया जाए कि बेटा जब भी कोई बड़े दिखाई दें बाहर जाओगे तुम रास्ते में कोई भी चचा दिखाई दिए उनको सलाम करना कोई भी खाला फूफी कोई भी दिखाई दिए मुसलमान सलाम करना बेटा उनको इंतज़ार नहीं करना उनके सलाम का तुम पहल करना किसी के घर जब जाएंगे हम सलाम करना उनको जाते वक्त में अंदर दाखिल होंगे तो तो ये सारे आदाब मस्जिद में जाएंगे सलाम करना लोगों को ये अदब उनको सिखाया जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिताकीदे छोटा बड़े को सलाम करेगा लेकिन घर में हम अगर सलाम नहीं करते एक दूसरे को शोहरी सीधा घर में आती कह रहा क्या बनाया जल्दी चलाओ गर्मा गर्म अब चाहिए मुझको बहुत आया हूँ मैं बिल्कुल हाँ आज तो मीटिंग और ऑफिस और ये वो सब हालत खराब हो गई बच्चा देख रहा है और बाप अभी सलाम नहीं किए अबू सलाम नहीं किए और बोल रहा है अबू आप सलाम नहीं किए मुझको बोलते सलाम करो बस सुना नहीं बहरे कहीं के नहीं किए पक्का नहीं किए उसको मालूम है सलाम करना चाहिए अगर आपसे गलती हुई आप बोलो हाँ भूल गया देखो अच्छा मेरा बच्चा याद दिलाया वापस बाहर गया वालेकुम बच्चा बोलेगा वाकई बाप भी डिसिप्लिन है और मुझको सजा देता है सही है जब अब्बा ऐसा करते तो मेरा क्या है नहीं तो बोलेगा खुद तो नहीं करते और हमको सिखाते बहुत यहां से इज्जत कम होनी शुरू होती है हम इज्जत बचाने के लिए अपनी गलती नहीं मानते याद रखिए इसको ये काउंटर प्रोडक्टिव है हम अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए गलती नहीं मानते और बच्चा जब देखता है कि गलती नहीं मान रहा तो इज्जत नहीं बचती तो जिससे डरे उसी में गिरे जो नहीं चाहते थे वही हुआ तो हमारी कोशिशें औकात उल्टा नतीजा लाती हैं हमको मालूम नहीं हमारी जहालत की वजह से तो बच्चे को सलाम सिखाया जाए बुखारी ने किताबुल इसतार में इसको रिवायत किया हदीस नंबर छः हज़ार दो सौ चौंतीस कल दाह इब्न हमबल कहते हैं अन्ना सफवान इब्न अबी इब्न उमै था बताबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सफवान इब्न उमैया ने उन्हें भेजा क्या देखे दूध और उलमा कहते हैं कि जब जानवर यानी कोई गाय बकरी ऊँटनी जब बच्चा देती है उसके बाद कुछ दूध उसको आता है पहली मरतबा तो वो जो है उससे कुछ मिठाई जैसी बनाते भी हैं लोग तो वो चीज़ देकर लिबाइन व दगाबीस और कुछ ककड़ी जैसी चीज़ जो अरब में होती लम्बी ककड़ी होती है ना तो वो चीज़ दे के भेजी भेजा उन्होंने अल्लाह के नबी वसल्लम के पास एज़ अ गिफ्ट व नबी व सल्लम भी आलवादी और आप बस्ती में ऊंचे मकाम पर थे कलफ़ दखल तो आल ही मैं आपके पास जब गया और दाखिल हुआ आपके यहाँ गया वलम उसल्म वलम अस्तदीन न मैंने सलाम किया ना मैंने अंदर आने की इजाज़त मांगी घर में सीधे घुस गए और न सलाम किया और न अंदर आने की इजाज़त मांगी ये बड़े हैं छोटे नहीं वाल नबील व्म इर्जे आपने क्या कहा वापस बाहर जाओ वापस जाओ असलम अदकुल और बाहर जाके कहो असलम क्या मैं अंदर आ सकता हूं बाहर जाओ और बाहर ऐसा नहीं आइंदा से ऐसा करना अभी से वाई नॉट नाउ जब आगे करना ही है तो आज से क्यों नहीं क्योंकि हम हमेशा टालते रहते हैं टालने की वजह से मौका कभी आता नहीं जब भी बच्चा कुछ गलती करता हम कहते हैं आइंदा से याद रखना ऐसा करना अभी अगर तू उसको करा सकता है तो अभी क्यों नहीं कराया तूने जैसे मैं सरन आप नमाज के लिए गए आपका बच्चा नहीं आया नमाज नहीं पढ़ाओ घर में खेलते बैठा है या पढ़ते बैठा है या कुछ तो कर रहा नमाज नहीं पढ़ा नमाज तू नहीं आया था नहीं आइंदा आएगा तू कल से याद रख कल से आना है लेकिन अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा देखे क्या हम लोग उठ नमाज पढ़े हम अभी नहीं कराते क्योंकि हमारी जिंदगी का कानून वही है नेक्स्ट टाइम इंशाला तो हम भी खुद वही कर रहे हैं उसको वही कराते अभी आपने कहा बाहर जाओ बाहर जाओ सलाम करो कैसा करना? आपने कहा, कहो Assalamu कहो असल क्या मैं अंदर दाखिल हो सकता हूं मैं आए इन कहां से आया ये? मैं आई इन कौन सिखाया है इन क्या मैं अंदर आ सकता हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हमारे घर में कैसा होता अंदर आके बोलते क्या मैं अंदर आ सकता हूं बाहर से बोल अंदर आ के नहीं तो आपने सिखाया कहते हैं उदा कब असलम सफवान ये तब की बात है जब सफवान मुसलमान हो गए थे लेकिन नहीं मालूम था तो आपने वापस भेज के अमल करवाया एक बड़े आदमी से तो ये तरीक़ा है कि बच्चों को इस्लामी आदाब सिखाए जाए ये जो हदीस है इमाम तिरमिदी और इमाम अबू दाऊद ने इसको रिवायत किया इसी तरह से इमाम तबरानी ने भी और अल्फाज तिरमीज़ी के हैं और तिरमीज़ी में हदीस नंबर दो हज़ार सात सौ दस पर ये रिवायत मौजूद है और हदीस सही है इससे मालूम होता है कि हमको चाहिए कि हमारी औलाद को हम क्या करें इस्लामिक एटिकेट सिखाएँ और ख़ास करके सलाम और इजाज़त तलबी क्यों इसलिए कि बाज़ अव बच्चे घर में वो देख लेते हैं जो उस उम्र में उनके सामने नहीं आना चाहिए था माँ बाप की भी लापरवाही होती है और बाज़त घर का माहौल ही ऐसा होता है कि कोई उसमें न पर्दे के मामलात होते हैं न इजाज़त के मामलात होते हैं तो बच्चे बहुत पहले वो चीज़ें जान जाते हैं जो उनको बात की उम्र में जानना चाहिए थी इसका एहतियात होना चाहिए इजाज़त तलबी घर में होना चाहिए नंबर सात वालदेन बल्कि बाद अपने घर में तो घर में बाज़ू वाले के घर में भी इसी चले जाते बच्चे तो ये नहीं होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए ठीक है हमारे घर में एहतियात है सब कुछ है लेकिन बच्चे को हमने इजाज़त लेना सिखाया नहीं पास पड़ोस में वैसे ही घुस जाते घरों के अंदर और बेहयाई देख लेते हैं और बेहयाई सीख जाते हैं तो ये नहीं होना चाहिए नंबर सात बच्चों को सिखाया जाए वालदे और बड़ों का एहतराम ये भी सिखाना ज़रूरी है बड़े बात कर रहे हैं बच्चा बीच में ही कुछ भी बोल देता है उसको सिखाया जाए बेटा बड़े बात करें बीच में नहीं बोलते हैं या घर में कुछ मीटिंग चल रही है और बच्चा आके उसके अंदर राय देना शुरू कर देता तो बच्चा बहुत छोटा भी नहीं है थोड़ा बड़ा है लेकिन वो आके बैठा बेटी आके बैठी कि घरेलू मामला में कुछ मसला चल रहा है फला बेटी और उसका निकाह तलाक का मामला चल रहा है और ये आके बच्ची बैठी जिसका कुछ भी नहीं हुआ अभी दसवीं में पढ़ रही है और वो राय देना शुरू करती नहीं बड़ों के बीच में नहीं बोलते बड़ों से पहले राय नहीं देते बड़ों को बात करने देते हैं पहले तो बड़ों का अदब फिर बाज़ात बड़े घर में रहते हैं माँ डांट देती है कभी क्या होता है जैसे बाप है शौहर है बीवी को डांटा बच्चों के सामने बच्चे देखते अच्छा ऐसा भी है क्या मतलब माँ को बोल सकते हैं माँ गलती करती है तो उसकी इज़्ज़त थोड़ी सी कम हो जाती है पावर कम हो जाता है बच्चों के सामने बाप ने डांट दिया अब बच्चे बाद में क्या करते हैं मां डांटती तो मुझ जबान दराजी करते हैं उसके साथ में जाओ जाओ हमको मत सिखाओ हमको भी मालूम है तुम भी कितनी गलतियां करती हो खामखाबू नहीं डांटते आपको हमको आप बोलती गलती करते आप खुद भी तो करती बदतमीजी अब बाप देख रहा है और बच्चियां बोल रही हैं आप बच्चे बोल रहे हैं अबू नहीं गलती करते आपको डांटते आप बहुत गलतियां करती हो बाप बुलाया इधर क्या है मां से ऐसा बात करता नहीं अबू आप अच्छे अम्मी बहुत सताते अच्छा उल्टा लटका दूंगा तुझको मां के साथ ऐसा बोलेगा तो मां के बारे में ऐसा बात करता मां से तू टॉलरेट नहीं करना बेहूदापन को बर्दाश्त नहीं करना बेहूदापन को घर के अंदर अगर माँ बोल रही बेवकूफ़ ऐसे नहीं करना है ये ऐसी गलत बात करता घर के अंदर और बच्ची या बच्चा उल्टा के बोल दिए आप भी तो बेवकूफ़ी करते हो बाप उस वक्त में अखबार रख दे इधर आओ क्या वो माँ सहेली नहीं तुम्हारी माँ के साथ में ऐसी बात चलेगी मैं घर में इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा हमारे घर में ऐसा नहीं चलेगा अपने घर में ये नहीं चलता तुम्हारे दोस्त सहेलियाँ बोलते होंगे वो भी उनके घर में फ्रेंड के जैसा रहते हैं अब वो हमारी मेरी सहेली है वो आपस में दोस्त के जैसा रहते हैं हाँ वो रहते होंगे यहाँ नहीं रहने का ऐसा दोस्त के जैसा मालूम शेयर करने की हद तक ठीक है लेकिन माँ के साथ वैसा सुलूक तुम नहीं करोगी माँ अगर तुमको बेवकूफ़ बोले तो तुम जवाब में माँ को बेवकूफ़ बोलोगी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा बाप टॉलरेट ना करें लेकिन फैमिलीज में कैसा होता है बाप देखता मेरे से बच्चे अच्छे हैं माँ को कुछ भी बोले तो चलता मेरे से अच्छे रहना वो लोग कभी उल्टा रहता मामला बच्चे बाप की शिकायत करते रहते क्यों क्योंकि बाप जल्लाद रहता ये क्यों नहीं किए वो क्यों नहीं किए ऐसा नहीं करने का वैसा नहीं इस्लाम 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 और माँ थोड़ी ढीली देती है तो माँ क्या करती है पार्टी में अपनी लेने के लिए बच्चों को उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी करती है माँ भी कभी डाकू रहती है वो क्या करती है बाप जल्लाद एकदम वो इस्लाम का झंडा लेके खड़ा हुआ एकदम तो माँ क्या करती हैं बच्चों की कोताहियाँ लापरवाहियाँ और बेहूदगी को बर्दाश्त कर लेती है और उनको कभी पैसे देगी उनको कभी उनकी ख्वाहिशात पूरी करेगी जो चाहिए वो दिला देगी और उनकी गलतियों को छुपा के रखेगी बाप से तो बच्चे क्या करते माँ बहुत अच्छी तो माँ के साथ अच्छे रहते बच्चे तो वो अपने साथ अपने बच्चों को अच्छा रखने के लिए क्या करती है उनको बिगड़ने देती है नॉट गुड यही बाप कभी यही चीज कभी बाप करता है कि वो बच्चों को अपनी तरफ लेने के लिए गलत बातें बर्दाश्त करता है और माँ से बच्चे मोहब्बत तबान करते हैं तो माँ का दर्जा घटाने के लिए बाजात उनके सामने बीवी को डांटता है उसकी गलतियां उनके सामने बयान करता है ताकि बच्चों की निगाह में ये हो कि मैं सुपीरियर हूं ये कुछ भी नहीं है इसको तुम बहुत भारी समझते नहीं वैसी ये मेरी अदालत में ये वेल है तो बच्चों के सामने करता है और फिर बच्चे भी उसको बोलना शुरू करते हैं और ये बर्दाश्त करता है नहीं आज उसको बोल रहे हैं कल तुमको बोलूँगी और अगर कल नहीं भी बोलते हैं अगर बाप को तब आज माँ को बोल रहे हैं। वो गलत है वो गलत है वो नहीं होना चाहिए कभी घर में बड़े भी होते हैं दादा दादी नाना नानी ना, ना, जैसे फैमिली बड़ी है तो दादा दादी भी हैं अब बूढ़े हैं वो लोग बच्चे कभी उनका मजाक उड़ाते हैं कभी उनको उल्टा बोलते थोड़ा सा बड़े होने लगते हैं बाप से तो डरते दादा से नहीं डरते दादी से नहीं डरते तो बाप तो कैसे टांग तोड़ देगा उल्टा लटका के मारेगा उनको पानी में डुबो देगा लेकिन दादा बूढ़े एकदम बेटा इधर आ, आया क्या बार बार बुलाते रहते मुझको बच्चा ऐसा करता जब थोड़ा बड़ा होता आवाज़ उसकी मोटी होती आईना जब ज्यादा देखता है तब आ, थोड़ा ऐसा जब करने लगता है जिम वम जाने लगता है सुनता नहीं वो अरे बेटा इधर आ बुला रहा हूं कब से आ रहा है तो आया इस तरह से करता उनको नहीं सुनता बाप का कर नहीं करता क्योंकि बाप बॉस है फाइनेंस मैनेजर है वो हाँ फाइनेंस मिनिस्टर है वो वहां से सब मिलने वाला है अपने को रिचार्ज भी बाप करता है मेरा मोबाइल का रिचार्ज भी कौन करता है मांग रहे रिचार्ज के लिए चाहिए तो वहां से जब आता है तो वहां थोड़ा सुनना पड़ता है बर्दाश्त करना पड़ता यहाँ क्या आने वाला है दादा से क्या मिलता कुछ भी नहीं मिलता उल्टा अब दादा को जो अब्बा संभाल रहे हैं तो उनकी एक हकारत होती है और फिर क्या होता है उसकी वजह से वो उनसे बदतमीजी करता है वो बर्दाश्त नहीं करना इधर आओ बैठो माफी मांगो दादा को नहीं बुलाना इधर आओ अब तू तू कौन तू बॉस है दादा के रूम में लेके जाओ उसको कान पकड़ के बैठो इधर माफ़ी मांगो वो देखता क्यों <laughs> क्यों ये तू बोला हाँ तेरा बोलना ये है सही है नहीं गलती तो माफी मांगना चाहिए हाँ माफी मांगो दादा क्या बोलेंगे जाने तेरे बच्चा ही है अभी वो ऐसा करते सही है बच्चा है लेकिन इसने गलती किया है अब उनको नहीं डांटना उसके सामने तुम तो चुप रहो <laughs> तो अब ये क्या कर रहा है ये भी उल्टा सिखा रहा मतलब समझ में आ रहे बाज हम लोग ऐसा भी गलती करते दादा क्या बोल रहे अरे जाने दे बच्चा ये होता बच्चों से गलती क्यों इतना उसको बराई का पहाड़ बना रहा चुप बैठते बोल रहा ना तो बच्चा देख रहा गलती की कौन सी चीज की माफी पहले दिल में क्या बोलता पहले खुद माफी मांगो पहले खुद माफी मांगो तो कभी कभी हम लोग भी बेवकूफी करते हैं नहीं माफी मांगो बेटा बच्चा है वो होता है नहीं अब बात आपको नहीं मालूम ये बच्चा है लेकिन बच्चे में ये चीज नहीं पैदा होना चाहिए इसने बदतमीजी बड़ों से नहीं करना चाहिए माफी मांगो तुने तो जवाब दिया ना उल्टा आगे माफी मांगे वो घर का माहौल ऐसा और फिर उसको साइड में बिठा के बोले देख मैं डांटा तेरे को ऐसा नहीं होना चाहिए जो तू किया वो सही है मैं नहीं बताऊंगा कौन बताएगा तो मैं नहीं डांटू तुझको छोड़ दू तुझको तेरे हाल पर नहीं अब बोलना पड़ेगा उसको ऐसा समझा बुझा के डांट डपट सब करना बैलेंस कर लेना उसको समझाना लेकिन बताना उसको घर में हम बेहुदा पन टॉलेट करेंगे नहीं बड़ों का अदब करेंगे मेहमान घर के अंदर आया कोई गरीब आदमी आया और वो जहालत में बात कर रहा कुछ उसको नहीं आ रहा बात करनी और ये बच्चे ब, उसको देख देख के मजाक उड़ा रहे उसका हंस रहे और वो देख रहा है कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है मेरे कपड़े फटे हुए तो वो हंस रहे हैं मेरी टोपी टेढ़ी है तो वह हंस रहे हैं तो बच्चे बर्दाश्त नहीं करना है इसको बर्दाश्त नहीं करना उसको बच्चों को तहजीब सिखाई जाए बड़ों का अदब करते बेटा ऐसा नहीं करते कोई गिरा तो हंसना नहीं उसको उठाने के लिए आगे बढ़ना मजाक नहीं उड़ाना किसी का किसी गुरबत का मजाक नहीं उड़ाते बुजुर्गी का मजाक नहीं उड़ाते कोई ज़बान किसी की दांत नहीं और बात कर रहा और बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो उसका एक्टिंग करके बता रहे हैं बर्दाश्त नहीं कर सकते मना करना उसको नहीं करते बेटा ऐसा नहीं करना गलत बात है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फ़रमाते हैं ले सन्ना मल्मिर हम सगीराना वही कभी वह हमें से नहीं वह हमें से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम न करे और हमारे बड़ों की तौकीर न करे उनका वक़ार ना जाने उनका एहतराम न करे उनकी इज्जत न करे उनका इकराम न करे वह हमें से नहीं इस हदीस को इमाम तिरमिदी ने रिवायत किया है सैल जाम सगीर हदीस नंबर पाँच हज़ार चार सौ पैंतालीस हदीस सही है यानी हमारा माशरा ऐसा होना चाहिए हमारा घर ऐसा होना चाहिए कि बड़े छोटों पर रहम करें और छोटे बड़ों का अदब करें बड़े छोटों पर रहम करें और छोटे बड़ों का अदब करें कि वो अगर घर के मामलात में गुफ्तु चल रही है बच्चे में इतना डिसिप्लिन हो अबू मैं एक बात बताऊं मेरी भी एक राय आप अगर चाहें तो मैं बोलूं अभी नहीं बाद में तो पाव पटकते ना जाए वो बल्कि वो क्या करे वो सोचे कि ठीक है अभी नहीं बाद में फिर आप बोलें हाँ ठीक है बात हुई अहमद तुम कुछ बोल रहे थे अब उसको तो रिस्पेक्ट लगेगा कि मतलब कंसीडर किए मेरी बात को लेकिन ये भी अदब है कि बड़ों में बोलते नहीं बड़ों के दरमियान नहीं बोलते उनकी बात काटते नहीं आप अब देखिए अब्दुल्ला अबन उमर रदी अल्लाह तुमा मजलिस में बैठे अल्लाह के नबी सल सल्म और अबू नुमा हैं और कुछ साहबा हैं आपने पूछा पेड़ों में से एक पेड़ है उसकी मिसाल मोमिन की तरह है और उस पेड़ का हाल ही है कि उसके पत्ते झड़ते नहीं और हर मौसम में वो फल देता है बताओ तो सही वो कौन सा पेड़ है टेस्ट लिए एक सरप्राइज़ टेस्ट अल्लाह के नबी वसल्लम का मुअल्लिम अपने शागिरदों का इम्तहान ले सकता है ये इम्तहान की दलील है एग्जाम्स तो साहबा ने किसी ने कहा फुला पेड़ फुला पेड़ देहात में वादियों में इधर उधर के पेड़ों का जिक्र लोग करने लगे नहीं अब्दुल्लाब ने उमर रदी अल्लाह उतम कहते हैं मेरे दिल में आया कि वो पेड़ खजूर का पेड़ है लेकिन मैंने देखा अबू बकर व उमर रदी अल्लाह तमा चुप हैं कुछ नहीं बोल रहे खामोश हैं तो मुझे भी मुनासिब नहीं लगा कि वो लोग चुप है और मैं बोलूं। तो मैं खामोश रहा जब मदीस ख़त्म हुई तो मैंने वाली साहब से कहा उमर खत्ताब रदी अल्लाह तुम कहा कि अब्बा जान मेरे दिल में बात आई थी कि वो पेड़ कौन सा है खजूर का है आप अरे तो मैंने कहा बोला क्यों नहीं बोला क्यों नहीं कहा मैंने देखा आप चुप हैं, अब वो सिद्दीक रदी अल्लाह तुन चुप है तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप लोग खामोशियर मैं बोलूँ खा के अल्लाह के बंदे अगर तू बोलता तो वो चीज़ मेरे नज़दीक सुर्ख ऊंटों से ज्यादा कीमती थी यानी सुर्ख ऊंट मुझे मिल जाए कीमती मर्सिडीज़, सुर्ख ऊंट वहाँ के ऐसे एकदम हाई लेवल की ऊंट जिसे हाई लेवल की सवारी आज होती है तो अगर तू जवाब दे देता उससे ज्यादा मुझको ये ज्यादा पसंद था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे और बड़े बड़े लोग मजिस में थे कोई जवाब नहीं दे सका मेरा बेटा जवाब दिया और वो जवाब सही निकला तो बाप की ये खुशी होना चाहिए कि दीनी मजालिस में मेरी औलाद आए दीन की बात सुने और उसको समझे बात लेकिन बच्चे की तरबियत देखी कैसी की थी हर तो ने कि देखा कि मस्जिद में बड़े लोग नहीं बोल रहे हैं। नहीं चुप है जवाब लेकिन बोलना नहीं तो बदतमीजी बच्चों में ना आए बड़ों का अदब आए बड़ों का अदब आए तो बाज बच्चों को हम अदब नहीं सिखाते इतनी फ्रीडम देते इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हाई लेवल की एजुकेशन है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा और बच्चा फिर क्या करता है बदतमीजी करता बड़ों के साथ में बदतमीजी नहीं अदब होना चाहिए उनसे बात एकदम एहतराम के साथ की जाए एहतराम के साथ की जाए तो ये भी चीज़ सिखाने की है नंबर आठ भाई बहनों और साथियों का इकराम सिर्फ न सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे आपस में खेलते हैं उठते बैठते हैं साथ में रहते हैं वो एक दूसरे के साथ इज्जत से बात करें ये उसको कुत्ता बोल रहा है तो उसको कमीना बोल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए और घर में देख रहे हैं और माँ बाप बोल रहे हैं अरे क्या लड़ रहे है जरा चुप बैठो मैं काम कर रहा हूं ना और वो एक दूसरे को कुत्ता और कमीना और नालायक और जलील और न जाने क्या क्या बोल रहे हैं तू मर जाओ बोल रहा तू बोल रहा है तू दफन हो जाओ बोल रहा तो इस तरह से चल रहा है एकदम जुगलबंदी हां हा? डिबेट चल रहा है वहां पे और ये लोग बैठे हुए हैं और कुछ नहीं बोल रहे नहीं उनको ये सिखाया जाए अपने अकरान से भी एहतराम से बात करते हैं महजब बात करना बाहर से बाजारी जुबान घर में नहीं चलेगी बाहर से सड़ी हुई बातें घर में लेकर नहीं आओगे स्कूल में बाजार में पड़ोस में यहां वहां गली कूचे में जो लोग बात करते हैं वो मेरे घर में नहीं चलेगा अपने घर में नहीं चलता है अपनी परंपरा ये नहीं है हमारा तरीका ये नहीं है इसका दबाव उस पर रहना अपने घर का अलग है अपने घर में ये नहीं चलता वो प्रेशर उसके ऊपर रहना हमेशा बड़ी बहन से ऐसी बात करता है जा चली जा जल्दी से शादी करके हमको सुकून मिलेगा बोल देते बच्चे कुछ भी ऐसा हाँ अब अम्मा जल्दी शादी कर दो इसकी बहुत सताती है ये जल्दी जाएगी ऐसा बोल उसका दिल दुखा दिया मरती भी नहीं कुछ भी बोल दिया वो उसको कुछ बोल रही है तो इस तरह से जुबान आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो बच्चों में तब भी, भी वो महजब जुबान इस्तेमाल करें गाली कभी टॉलरेट नहीं की जाए आपस में बातचीत में एक दूसरे के साथ में मिलजुल के रहना सिखाया जाए बच्चों को हमारी जो सोसाइटी है चाहे वो स्कूल हो या फैमिली हो या समाज हो उसको जो जिस बेस पे यानी वो पलती बढ़ती बनती है वो है कंपटीशन, मुकाबला आरई जबकि सही तरीक़ा ये है समाज के लिए और घर के लिए कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन माहौल घर का कैसा होना चाहिए कि एक दूसरे के का ताउन किया जाए भलाई में और एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए न ये कि एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए टांग खींची जाए बच्चों में आम तौर से हसद होता है और एक बच्चा मां बाप की मोहब्बत पाने के लिए उससे आगे बढ़ने की भी कोशिश करता दूसरे से और दूसरे को गिल्टी साबित करने की भी कोशिश करता है इसलिए अबू मैं बताऊँ, भैया ने क्या किए क्या किए ऐसा ऐसा किए मेरा प्यारा बच्चा आइंदा कुछ भी हो तो बताना और बोलना नहीं तूने बोला और अम्मी क्या बोले तू क्या करता हो हाँ जासूसी करता पूरी शाला कोम्स हाँ बन के पूरा जो है जाके पूरे माँ क्या कर रही अब वो अम्मी ऐसा कर रहे थे खिड़की के पास खड़े होके फोन पे बात कर रहे थे वो उसकी अम्मा से बात करी और ये बोला कि अच्छा तो आप बच्चे को बिगाड़ रहे हो घर का माहौल ऐसा बनाओ एक दूसरे का एहतराम एक दूसरे से मोहब्बत एक दूसरे का सपोर्ट एक दूसरे का ताउन करना कि इसके प्रोजेक्ट में वो मदद कर रही बच्ची उसके प्रोजेक्ट में ये मदद कर रहा है बच्चियां घर में होती हैं बाहर जाती नहीं हैं अब बच्चा है उसके लिए नोटबुक लाना है उसकी सहेली से उसकी नोटबुक कॉपी करने के लिए होमवर्क लाने के लिए उसको जाना है वो जाता नहीं कोऑपरेट नहीं करता उसके साथ में मैं बार बार भेजती हूँ मुझको उसकी सहेली के पास वो लोग मेरा मजाक उड़ाते ये करते वो करते मैं नहीं जाऊंगा उसके पास अभी तो गया था इंग्लिश की भी नोटबुक मंगाई अब हिस्ट्री की मंगा रही मेरे से पड़ोस में ही घर है और वो नहीं जाती है वो घर में रहती है पर्दा करती है उसको सिखाया जाए बेटे कोऑपरेशन करना आपस में ताउन करना वो कैसे जाएगी बाहर पर्दा करती है ना उ? तू जाके लेकर आ इसका कुछ स्कूल का काम है होमवर्क है उसको नहीं आ रहा माँ बोली मैं काम है बेटा तू जरा पढ़ा दे मैं नहीं पढ़ाती उसको सुनता ही नहीं मेरी अली बोले तो बा बोलता हो <laughs> कौन पढ़ाया उसको मैं नहीं करती हूं मैं दूसरा काम में हूं अभी तो उसको भी उसकी मदद करने वाला एक दूसरे का सपोर्ट करने वाले हैं फैमिली ऐसी है हो हमारी एक दूसरे का ताउन करते हैं एक दूसरे की मदद करते हो बताओ क्या मैं कर सकता हूं व्हाट कैन आई डू फॉर यू ये मिजाज होना चाहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं इतना इजी नहीं है ये और ये हर दिन भी नहीं रहेगा लेकिन एक जनरल फिजा घर की ऐसी होनी चाहिए कि एक दूसरे की टांग खींचने वाले एक दूसरे से कम कंपीट करने वाले एक दूसरे को गलत साबित करने वाले नहीं हो एक दूसरे की इज्जत उतारने वाले नहीं हो बल्कि मेहमान आए घर में अब बच्चे जाके बोले मालूम बाजी क्या करती और वो मेहमान को बोल रहा हो और वो बोल रही मैं बताऊँ ये क्या करता अब पूरी घर की इज्जत कर रहा बाप देख रहा माँ देख रही क्या कर रहे पूरे घर की इज्जत उतार रहे ये नहीं होना चाहिए बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का मिजाज हो कोई मेहमान घर पे आए उनके बच्चों की दे धनाधन धुलाई कर दिया हमारे बच्चे और बच्चा आ रोते जा रहा बाप के पास वो बोल रहा क्या हुआ और दाँत तोड़ दिया उसका खून निकल रहा पूरा ऐसा पकड़ के बैठ गया अब वो बाप बोल रहा है नहीं नहीं बच्चे ही अभी क्या करेंगे लेकिन दिल में बोल रहा कैसे बच्चे शैतान है कि क्या है आज के बाद मैं नहीं आऊंगा यहाँ पे गए तो दांति तोड़ दिया उसके दांत ही तोड़ दिया उसका खून निकल रहा मुंह में से जो मारा बॉक्सिंग मुंह पे तो होंठ उसके सूझ के आ गया एकदम तो बच्चा मेरा अरे क्या हुआ बोले तो मारा बोले इनका बेटा मारा मुझको चल बॉक्सिंग खेलेंगे अपन बोल के मेरे को नहीं आती थी उसको बहुत अच्छी आती जो मार दिया तो बच्चों को सिखाया जाए मिलजुल के रहते किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तकलीफ़ नहीं देते ये भी सिखाया जाए अल्लाह के नबी वसल्लम फ़रमाते हैं अलमु मीनदी युले व व ला मीनदी अला अदाहुम ये बहुत प्यारी हदीस है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं वो मोमिन जो लोगों से मिलजुल के रहता है घुल मिलके रहता है और उनसे पहुंचने वाली तकलीफ पर सब्र करता है वो मोमिन उस मोमिन से बेहतर हैं जो लोगों से घुल मिल के नहीं रहता और उनकी तकलीफ पर सब्र नहीं करता तो मालूम है कि दो चीज़ें पैदा होनी चाहिए अगर अच्छा मोमिन अपने बच्चे को बनाना है तो एक वो लोगों से मिलजुल के रहे मिलनसार हो वो वो मिलनसार हो और दूसरा ये कि उसमें बर्दाश्त की ताकत हो वो बे आपे से बाहर ना हो जाता हो वो आपे से बाहर ना होता हो बल्कि बर्दाश्त करता हो तो ये मिजाज अगर अपने बच्चे में बनाए कि एक बात बोले तो दो बातें बोलता है या एक उसको किसी ने धक्का दे दिया तो ये घूसा मारता है ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए हमारा बल्कि वो बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए मिलजुल के रहने वाला होना चाहिए तो बच्चों को इसकी आदत डाली जाए इमाम अहमद ने इसको रिवायत किया है इसी तरह से इमाम अल बुखारी ने अल अल अदब अलदबुलमफरत में इमाम तरविदी ने और इसी तरह से इबन माजा ने सहल जाम शगीर हदीस नंबर छः हज़ार छः सौ इक्यावन हदीस सही है वो मोमिन जो लोगों से मिलजुल के रहता है और उनकी तकलीफ पर सब्र करता है उस मोमिन से बेहतर हैं जो घुल मिल के नहीं रहता जाके बच्चा ऐसा बैठा है किसी से नहीं सारे बच्चे खेल रहे हैं हमारा बच्चा ऐसा बैठा है क्यों क्योंकि वो उर्दू मीडियम की इंग्लिश का है ये सुपीरियर है और वो क्या है सब एकदम हाँ सीधे साधे हैं एकदम बच्चे ये उनमें नहीं बच्चा पापा वो ऐसा करता है पापा वो ऐसा करता है नहीं चलता मुझको ये नहीं चलता मुझको ऐसा नहीं बनाना बच्चे को एकदम कैक्टस मत बनाइए बच्चे को कि वो किसी से घुल मिल के नहीं रहता उसके करीब आया तो चुपता हो उसके कांटे ऐसा मत बनाइए बच्चा लोगों में घुल मिल के रहे कोई बुलाया उसको प्यार कर रहे यूं करे तो हम हाँ, पोच रहा है ऐसा एकदम हाइजीनिक बच्चा ये हाँ एकदम न्यूटन बना दिया आप उसको नहीं कोई प्यार कर रहा उसको बुला रहे उसकी दादी उसको नानी कोई रिश्तेदार खाला फूफी आपकी आई वहां से कितना प्यारा बच्चा है मेरा बच्चा लिए उसको उसको चूमा तो ये कर रहा क्या है। देख रहा उसको ऐसे ऐसे बच्चा नहीं होना चाहिए आप लोगों से मिलजुल के रहना सिखाया कि कोई प्यार करे तो उनके प्यार को कबूल करना चाहिए वापस नहीं देना उसको रिजेक्ट नहीं करना उसको और उनके उनकी तरफ से कोई तकलीफ पहुँच पहुँचे उसको बर्दाश्त कर लेना उनकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ हो जैसे कोई बच्चा आया पड़ोस में या मान लीजिए रिश्तेदार आए घर पे छुट्टियों में और रहे और इसकी कोई नोटबुक थी उसने कुछ इसने लिखा उस पर तो उसने भी कुछ उसके ऊपर लिख दिया अब इसने जो मारा उसको धुलाई कर दी उसकी कि मेरी नोटबुक पे इसने लिखा कैसे इसने मेरे इसमें कलर कैसे भर दिया इसमें और मारपीट किया नहीं होना चाहिए ठीक है बेटा सब्र करो उसके मिजाज भी होना चाहिए कि वो खाए उसको कि देखो तुमने मेरी नोटबुक में मेरी इजाज़त के बग़ैर कलर भर दिया ना ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोग ऐसा नहीं करते हैं मैं तुम्हारी नोटबुक में करूँगा ऐसा नहीं वो मेरी है तुमने मुझसे पूछना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं तुमको मालूम नहीं था अभी तो मालूम हुआ ना हाँ ठीक है वापस खेल रहा उसके साथ हाई लेवल है एकदम ठीक ही इतने जल्दी नहीं आएगा ये हमारे अंदर नहीं तो उनके अंदर कब आएगा पहले हमारे अंदर लाना पड़ेगा लेकिन ये हो ऐसा समाज हमारा बने तब जाके हम लीडिंग पोजीशन में आएंगे दुनिया के लीडर्स हम बनेंगे कब बनेंगे जब हम ऐसे बनेंगे कि हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ होना चाहिए वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर होना चाहिए हमारे बच्चों में होना चाहिए तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि ऐसा मोमिन होना चाहिए हम अपने बच्चों को ऐसा बनाए भाई बहनों के साथ में मिलजुल कर वो रहें और उनकी तकलीफ पर सब्र करें ये नहीं कि अगर मान लीजिए साथ में बैठ के खा रहे हैं अगर मजाक से किसी ने उसके प्लेट में से लेके खा लिया तो पूरा खाना जमीन पे गिरा दिया एकदम पूरा ऐसा किसी को भी खाने नहीं दूंगा मैं सबका खाना खराब कर दिया उसने तो ऐसा जंगली नहीं रहना हमारा बच्चा उसको हम सिखाना महजब बनाना तकलीफ़ पर सब्र करना बर्दाश्त करना बर्दाश्त की ताकत होना चाहिए नंबर नौ सही और महज़ब अल्फाज इस्तेमाल करना सिखाना बच्चे को उसकी ज़ुबान को इम्प्रूव करना चाहे आप इंग्लिश बोलते हों चाहे आप उर्दू बोलते हों चाहे आप कन्नड़ बोलते हों कोई भी ज़ुबान आपकी हो लेकिन उस जुबान में गिरी हुई जुबान हमारा बच्चा इस्तेमाल न करे जो बाज़ार में इस्तेमाल होती है जो एकदम घटिया ज़ुबान है वैसी ज़ुबान नहीं बोले वो अल्फाज का इस्तेमाल उसका सही हो और वो बात करें अंदाज उसका सही हो तो अल्फ़ाज और अंदाज हमारे बच्चे सही इस्तेमाल करें बड़ों के साथ में कैसे बोलते हैं तू बोलते है, आप बोलते हैं उनको कैसा बोलते हैं अपने साथ वालों से कैसी बात करते हैं ज़ुबान सही इस्तेमाल करें उसको अल्फाज बताए जाएँ उसको अलफाज बताए जाएं कि बेटे ये लफ्ज़ सही नहीं है ये बोलने के लिए ये लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब है तो अगर उसकी जुबान से आप कोई ऐसा लफ्ज सुने जो मुनासिब नहीं था तो आप उसके लिए बताएं कि बेटे यह लफ्ज़ गलत है इसकी जगह यह ज़्यादा मुनासिब है तो जाहिर बात है हमको सीखना पड़ेगा इसीलिए अल्लाह ने क्या फरमाया व अनफु नारा पहले नंबर किसका आ रहा कु कुफ अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से तो अल्लाह ने पहला नंबर किसका रखा हमारा तो बनाने के लिए पहले बनना पड़ेगा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले खुद भी तो बनना पड़ेगा अगर हम ही बिगड़े हुए और हम बच्चों को बनाए नहीं होता हमारे बदन पे नजासत लगी और हम उसको नहला रहे चलेगा ठीक नहीं है तो हमको भी बनना पड़ेगा इसलिए ये एक ऐसा प्रोसेस है कि बच्चों को बेहतर बनाने में हमको भी बेहतर बनना पड़ता है और यही मतलूब है ये नहीं कि आप सारी दुनिया को अच्छा बने और आप नहीं बने ऐसा नहीं है अथा मरून नासम वह अनुम तल किताब लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और खुद ही अपने आप को भूल जाते जबकि तुम किताब पढ़ते हो क्या तुमको अकल नहीं है अफला यानी आदमी जब सब सिखा रहा है घर में और खुद उसकी जिंदगी में वो चीज नहीं है गुस्से में आके वो बीवी की पूरी इज्जत निकाल लेता है उसके बाप को बुरा बोलता है उसकी माँ को बुरा बोलता है उसके सारे ख़ानदान का नाम निकाल देता है और बच्चे देख रहे हैं तो इससे फ़ायदा नहीं होगा इससे नुकसान होगा और आप चाहेंगे कि आपका बच्चा महजब जबान बोले नहीं होगा वो भी जब गुस्से में आएगा तो इसको अपना हक़ समझेगा कि गुस्से में आने के बाद वो कुछ भी बोले तो आपको अपने आप को भी मेंटेन करना पड़ेगा आप, आपको भी लैंग्वेज के उसूलों को अपनाना पड़ेगा सिर्फ खुशी के हालात में नहीं गुस्से में भी है वाकई आदमी की डिक्शनरी तो गुस्से में खुलती है ना हाँ आदमी जब गुस्से में होता है तब बताता मैं वाकई कौन हूँ आप पहचाने नहीं मेरे को अब तक अब मैं जो हूँ वो हूँ मैं अंदर का मेरा बाहर निकला अगर आप घर में ऐसा करेंगे बच्चे को मालूम पड़ेगा बच्चा वही इमिटेट करेगा वही सीखेगा तो अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वह कुल इबादी ही अहसन ए नबी मेरे बंदों से कहिए कि वह आपस में जब बातचीत करें तो अच्छी बात करें बेहतर बात करें अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करें अच्छे अल्फ़ाज़, अच्छे अंदाज का इख्तियार करें ही अहसन आपस में बात करें तो भली बात करें इन न शैतान बई न हम शैतान इन आपस में दराड़ पैदा करता है यानी तुम्हारी बदजुबानी की वजह से दिल टूट जाते हैं और आपस में दिलों में दरार पैदा होती है इन शैतान न क इंसान अदो व मुबीना यकीन शैतान इंसान का खुला दुश्मन है सरे बनी सराइल आयत नंबर तिरपन इस आयत में अल्लाह ने बताया कि ताल्लुक़ की खराबी ज़ुबान की खराबी से पैदा होती है सही अल्लाह ने क्या फरमाया मेरे बंदों से कहिए कि वो बात करें तो अच्छी बात करें सलीके से बात करें क्यों इसलिए कि इनके गलत तरीक़े से बात करने से शैतान को मौका मिल जाता है कि वो लोगों के दिलों को आपस में मुतनफ़िर करते हैं तो मालूम हुआ कि दिलों में नफ़रत ज़ुबानों की गिलाजत यानि सख्ती की वजह से पैदा होती है ज़ुबान अगर सख्त हो जुबान अगर दिल तोड़ने वाली हो तो जाहिर बात है कि दिलों में नफ़रत पैदा होगी तो हम ये चाहते हैं अगर कि बच्चों में आपस में मोहब्बत का माहौल रहे हेट ना करें एक दूसरे को तो उन बच्चों को हमको ज़ुबान अच्छी इस्तेमाल करने की आदत डालनी पड़ेगी ताकि इन में आपस में मोहब्बत बनी रहे एक दूसरे का इकराम करने वाले हों मज़्ब ज़ुबान इस्तेमाल करें ईश्वर इस बन इसराइल की आयत है तायशा रदी अल्लाह अल्लाह के नबी सल्लास ने फ़रमाया आयशा या आयशा अलैकी आलही व इया की वलआन फलफश आपने फमायशा आलई की बफ़ तुम नरमी को अपनाओ तुम नरमी को अपनाओ आलई की बफ़ व इया की वलौन फवल्फ और हाँ ख़बरदार सख्ती और बेहयाई का कलाम बे का कलाम तुम्हारी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए तो ये तलकिन हम अपने घरों में करें जो अल्लाह के नबी सल्ह अपने घर में करते थे अपनी बीवी को जो आपने सिखाया आप अपनी बीवी को सिखाएं कि वो बच्चों से बात करें तो सलीके से बात करें डांटे डांटने के वक्त पे कोई शक नहीं उसमें आप भी डांटें डांटने के वक्त में लेकिन डांटते वक्त आप की ज़ुबान गलत नहीं होना चाहिए और आपके बच्चे जब इमोशनल हो जाएं, गुस्से हो जाए गुस्सा हो जाए उसमें वो सही ढंग से बात करने वाले बने आपस में भी बात करें तो सलीके से बात करें तो रिफ़ नरमी उनफ सख्ती और इसी तरह से फहश बेहयाई घटिया बात करना न घटिया बात करना है और न सख्ती से बात करना है महजब बात करना है इक्राम से बात करना है और कैसे नरमी से बात करना है तो इस हदीस से जिसको इमाम अल बुखारी ने रिवायत किया है सैल बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर छः हजार तीस और सही मुस्लिम किताबुसम हदीस नंबर दो हजार एक सौ पैंसठ तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि घर में हम जब बात करें नरमी से बात करना सख्ती नहीं नरमी और बेहयाई नहीं बल्कि महजब बात तहजीब का ख्याल रखते हुए बात करना नंबर दस बच्चों के ताल्लुक से क्या सिखाया जाए उनको उनको स्पोर्ट्स का भी मौका दिया जाए उनको खेल भी आए वो खेलें भी वरना पढ़ाई 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 खेल नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन खेल कौन से मोबाइल वाले पबजी आजकल बच्चे जो हैं यानी शुरू में कुछ वक्त पहले लोग बोलने लगे थे पहले टेलीविजन चलता था और जब हम लोग बचपन में देखते थे बहुत मुश्किल से हफ्ते में कोई एक प्रोग्राम होता था और सारे घर वाले जो हैं फुलानी फिल्म आज है तो इतवार के दिन जमा हो जाते थे तो और पूरे बस्ती बस्ती वाले बैठते थे जो लोग पुराने उनको मालूम है कि नया टीवी था और ब्लैक एंड वाइट टीवी था उस जमाने में तो क्या होता था जिसके पास टीवी वो कौम का सरदार होता था तो जो भी गली कुचा ऐसा हाँ छोटा सा इलाका वहां पर रखा जाता था पूरी गली के लोग जमा होकर बैठ के देखते थे कोई ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है कोई हाँ अपने अपने टाट ला के बैठता था, था उसके ऊपर और सब देखते थे अब सुबह से शाम तक जब केबल टीवी आया वहाँ से अब क्या हो गया सब लोग यानी आजाद हो गए हैं हर एक के घर पर है कलर टीवी है केबल नेटवर्क है चैनल 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 चल चैनल कितने मालूम नहीं बाबा किसी को भी नहीं मालूम कि इसके टी में कितने चैनल हैं वहाँ से लोगों ने बोलना शुरू किया जो एक्सपर्ट्स हैं कि बच्चे के हाथ में रिमोट दिया हुआ है बाप ऑफिस में माँ किचन में और बच्चा ड्राइंग रूम में और वो देख रहा देख रहा देख रहा देख रहा पलक झपक रहा भी नहीं बहुत देख रहा एकदम नेशनल ज्योग्राफिक डिस्कवरी कुछ और डिस्कवरी वाला लगा दिया उसने हाँ कुछ और भी डिस्कवर कर रहा है उसके ऊपर फिल्म देख रहा वो लिपट रहे चिमट रहे ये वो फिर उसके बाद वीडियो गेम्स भी ला के दिया अब्बा ने उसको खेल बेटा बहुत बोर हो गए टी से अब नया एक नया लेवल मिलेगा उसको तो उसमें खेल रहा खेल रहा खेल एक्सपर्ट्स ने कहना शुरू किया है ये जो बच्चे इस तरह से बन रहे हैं जो टीवी के सामने बैठ के दिन भर देख रहे हैं और चैनल चेंज करते रहते हैं या वीडियो गेम्स टीवी पे खेल रहे हैं स्क्रीन पे खेल रहे हैं ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं है सिर बड़ा हो रहा हाथ पाव छोटे हो रहे हैं ये बच्चा क्या हो रहा एक्टिविटी नहीं है और इमोशनल स्ट्रेस उसको मिल रहा है और टू मच डेटा उसको मिल रहा है तो इसके अंदर पढ़ाई में स्किल नहीं खेल कूद में नहीं जिस्मानी वर्जिश नहीं मेहनत नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं और ख़ाली ये जो है प्री मेच्योरिटी उसके अंदर आ रही है जो चीज़ें उसको बाद में मालूम होने वाली थी उसको वक्त से पहले मालूम हो रही हैं सब कुछ तो ये एक बुरा दौर शुरू हुआ जहाँ से केबल नेटवर्क और टेलीविजन आया और अब अब तो मामला और भयानक हो गया है अब क्या है बच्चा रो रहा माँ को काम करना है ले बेटा क्या ले अलादीन का चिराग इसको घसेंगे तो उसमें से निकलता है ना अंगूठे है। से इसको घिसते हैं इसके ऊपर से जो चाहे वो आता टप टप करे टैप टप तो कुछ तो निकलता उसमें से वो बच्चा टैप 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 कर रहा और जो चाहे उसमें देख रहा उसी में लगा हुआ है ना खेलता ना कुछ करता ना कुछ करता बल्कि कुछ बच्चों के वीडियोज ऐसे भेजे कितने सही मालूम नहीं कि उनके हाथ में मोबाइल लेकिन फिर भी वो ऐसे ही कर रहा है इतना एडिक्टेड वो हो गया कि उसको ये तस्वुर ही उसके लिए नहीं है कि मेरे हाथ में मोबाइल नहीं हो सकता है वो खुद एक बीमारी है वो खुद एक बीमारी है कि मोबाइल उसको चाहिए ही तो माँ आज क्या कर रही है अपनी जान छुड़ाने के लिए मैं सो रही हूं मुझको उठाना नहीं बहुत थकी हुई ना बहुत पिटाई करूंगी बाहर जाना भी नहीं फिर क्या करना अब ऑप्शन क्या है लो अलादीन का चिराग और वो बच्चा उसमें किसको मैसेज भेज रहा अम्मा के फोटो अभी फेसबुक पे डाल रहा न जाने क्या कर रहा है उसके हाथ में दे दिया मोबाइल फोन किसी को भी कॉल कर रहा है कुछ भी बोल रहा है बाज ओका हम लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज आते क्या है किसी की कोई हिम्मत वाली बात है, मा, 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 उस कुछ कर रहा है। बच्चे के हाथ में दिया है किसी ने तो मैं एक को मैसेज पे भेजा हुई बच्चों के हाथ में मोबाइल ना दिया करें बाज वो आप उसके हाथ में दे दिए आप बीविश और के झगड़े चल रहे पूरे गाँव में वो उसको रिकॉर्ड करके डाल भी दिया उसने व्हाट्सएप के ऊपर आपका पूरा जो है और आप उसकी बात बोले माफ करना गलती से डाल दिया हाँ बच्चे की गलती छोटी है, आपकी बड़ी है वो जो गालियां आप दे रहे थे वो क्या है बाजुकता उसके हाथ में मोबाइल दे के हमने उसको बिठा दिया है उसको खेल कूद उसको आए खेले वो आप उसको ले जाइए किसी मैदान में दौड़े वो खूब सेफ इसमें वर्जिश करे खेले कूदे ऐसे खेल जिसमें कोई खतरा ना हो ऐसे खेल जिसमें कोई खतरा नहीं होना चाहिए ऐसे खेल जो आसानी से खेले जा सके जिसमें वर्जिश होती है बच्चों के साथ वो घुल मिल के रहे इस बच्चे एकदम आइसोलेट हो जा रहे हैं वो बैठ के पबजी खेल रहा है और हेडफोन लगाया हुआ है और उसकी जितने क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो सब खेल रहे हैं देख पीछे से आ रहा हो मार मार उसको मार 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 उसको हाँ मेरे पास तेरे पास क्या है रे मेरे पास ये है तेरे पास क्या है वो है इतने छोटे छोटे टिंगू पिंगू उन लोगों को आप देखिए बड़ों को नहीं आएगा ऐसा खेलते हैं उनको अगला लेवल पूरा मालूम रहता बाप खेल रहा बाप और सीधा खेलो ना क्या आता है नहीं कि तुमको बाप को बच्चा बोल अब बाप उसको मारा। मेरा मोबाइल से सीख के मेरे को बोलता क्या बोल दिन भर लेके खेलता उसका मोबाइल अच्छी बात नहीं है बच्चों की आंखें टेढ़ी हो रही हैं कुछ लोगों को तो ऐसा बोल इसकी ही टेढ़ी हो गई इतना नजदीक से खेलता हो कि बिल्कुल जो है भहंगा हो गया हो चकना हो गया हो इतना नज़दीक से मोबाइल देख रहा है वो आंखें खराब हो गई उसकी सीधी नहीं हो रही उसको अभी करना पड़ेगा ट्रीटमेंट इतना ज्यादा उसको मोबाइल खेलने के लिए उसको बाहर खुली फजा में खेले वो जो भी खेल खेल सकता है जिससे सेहत बन सके उसको माइंड उसका फ्री होना चाहिए बिल्कुल बहुत स्क्रीन के साथ जो अटैचमेंट है ये अच्छा नहीं है सिर्फ आंख नहीं उसके दिमाग के लिए अच्छा नहीं है दिमाग के लिए उसके अच्छा नहीं उसके अखलाक के लिए अच्छा नहीं है ऐसा ना हो कि वो कार रेस का इतना आदि हो जाए कि जिस दिन कार चलाए वो कहीं टकरा भी तो कुछ नहीं होता वापस कार आती उसको ऐसा लगे हाँ? ऐसा ना हो कि अगर यानी किसी को छुरा घोप दें तो कुछ होता नहीं वापस से वो वा आ जाता जिंदा हो गया ऐसा नहीं समझे वो क्योंकि उसकी अपनी एक इमेजिनरी इमेजिनरी वर्ल्ड नहीं बन जाए ऐसा उसका कि वो उसको हकीकत समझने लगे क्या ऐसा रहता कुछ नहीं होता नहीं होना चाहिए ऐसा उसको वाकई खेल खेलने के लिए आप जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें उसको अनसरदी कहते हैं

बच्चे जो खेल रहे होते मैदान में दौड़ के आते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आप एक बच्चे को आगे बिठाए एक को पीछे बिठाए ऐसे साहबा आप बिठाते थे बच्चों को क्योंकि बाहर मैदान में बच्चे खेलते हैं ना तो बच्चे जैसे ही देखते थे आ रहे हैं तो सब दौड़ के जाते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहबा के पास जो आ रहे होते थे काफिले में बाहर से जंग से लौट रहे सफर से लौट रहे सवारियों पर अपनी होते थे आप बच्चों का आप किसी को आगे बिठाए किसी को पीछे बिठाए और आप आके मदीना में आते थे और बच्चे भी आपके साथ रहते थे ऊँट के ऊपर तो बच्चे खेल रहे होते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सल्लासिब मालिक ही कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक काम दिया मैंने कहा नहीं जाता मैं लेकिन मेरे दिल में था कि मैं करूँगा वो काम फिर मैं गया काम करने के लिए गया बाजार में रुका खड़ा रहा वहां पर देखा बच्चे खेल रहे हैं तो वहीं खड़े हो गया मैं भी देखते देखते वही खड़ा रहा देख रहे खेल रहे हैं और ये देख रहे हैं तो मैं कहते हैं कि मैंने मैंने अपनी गर्दन पे कोई हाथ महसूस किया देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल अलामे और आपको देखा तो आप मुस्कुरा रहे थे मुस्कुरा यही यही तेरा यही मामला है काम भी तू यहां आके खड़ा हो गया हाँ तो मुस्कुरा रहे थे और आपने कहा एनस जो काम दिया था वो किया तो कहा जा रहा हूँ जा रहा हूं जा रहा हूं अल्लाह के रसूल जा रहा हूं कहते हैं कि उसी हदीस में है कि अल्लाह ही नौ साल तक मैंने खिदमत की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपने कभी कोई काम मैंने किया हो गलत आपने कभी डांट के नहीं कहा कि क्यों किया ऐसा और कोई काम मैंने करने का ना किया हो और आपने कभी मुझको डांटा ऐसे नहीं हुआ कि क्यों ऐसा नहीं किया और आपसे ज्यादा अच्छे अख्लाक वाला और खूबसूरत तरीन इंसान मैंने कभी नहीं देखा आप सबसे लोगों में कैसे थे अहसन अन्नासी खलकन व खुलुकन, व अहसन हम खलकन अहसन अहसन से खुलुकन व अहसन हम खलकन और इस तरह से रिवायतें मुख्तलिफ अल्फाज में आई हैं तो आप सारे लोगों में सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक वाले थे और बनावट के अतबार से हसन के अतबार से सबसे खूबसूरत हसन इंसान थे आप तो आप देखिए सूरत नहीं सीरत भी तो और आपका ट्रीटमेंट बच्चों का देखिए कैसा था प्यार मोहब्बत से आप बच्चों से काम करा लेते थे और बच्चे मोहब्बत से करते भी थे और करा सकते हैं बच्चों से मोहब्बत अगर आप करें आपके लिए दौड़ धूप सब करेंगे वो लोग अगर वाकई आप रिलेशन बच्चे से बनाएं और आप कहें बेटा जरा ऐसा किया ठीक है तू मत कर मैं कचरा दे देता हूं बाहर हाँ कचरे वाला है जमा करने के लिए किसी को बोल दिया बेटे को जरा दे दे बेटा ओ, मैं क्या हूं, नहीं ऐसा करते बच्चे ठीक है बेटा मत दे मैं देता हूँ बच्चे नहीं नहीं तुम क्यों देंगे मैं देता हूँ बताओ आप क्यों देंगे कचरा देंगे मैं देता हूँ तो जब आपका अटैचमेंट उससे ऐसा है तो वो सुनेगा बात को आपकी तो बच्चों के साथ ये मामला रखे तो बच्चे खेलते थे मदीना में बच्चे खेलते थे तो हमारे बच्चे जो हैं स्क्रीन पे नहीं खेलें जमीन पे खेलें जमीन पे खेले उनको आप ले जाइए लेकिन ऐसे स्पोर्ट्स नहीं जो उनके लिए रिस्की हो। ये नहीं कि ले जाके अब वो क्या होता है ना बंजी जंपिंग क्या बोलते हैं उसको हाँ बंजी बंजी जंपिंग अब ले जाके लटका रहे उसको और चिल्ला रहा अब्बा 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 अगर वाकई मेरा अब्बा है तो मत करो ऐसा बोल रहा नहीं बेटा कुछ नहीं होता और उसको बंजी जंपिंग डाल रहा है उसको नीचे जा रहा नीचे ऐसा नहीं इतना भयानक नहीं ऐसी चीजें नहीं करना उसको उल्टा लटका के कुछ भी कर रहे ऐसा ऐसे स्पोर्ट्स नहीं जो उसके लिए रिस्की ना हो और जिनको बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता ऐसे स्पोर्ट्स नहीं ये भी नहीं कि लेदर बॉल से आप उसको क्रिकेटर बना रहे हैं आप उसको और लेदर बॉल से खेल रहा है लग के कुछ भी हो सकता है उसको कई लोग मर गए उसमें कई स्पोर्ट्समैन कई क्रिकेटर्स मर गए उसकी वजह से वैसा नहीं हल्के फुलके खेल उनको खिला सकते हैं फुटबॉल आप खिलाइए उसको लेकिन वैसा नहीं जैसा आमतौर से लोग खेलते हैं हिफाजत के साथ में उसको खिलाएं तो खेल भी जो है बच्चों की जिंदगी में होना चाहिए उससे वो बैलेंस उनके अंदर जो एनर्जी होती है उसके लिए रिलीफ चाहिए कि नहीं चाहिए उसके लिए रिलीफ चाहिए उनके अंदर जो एकदम यानी आज़ादी का जो जज्बा होता है अबैंडनमेंट जिसको आप बोलते एकदम तो भागो अबैंडन करके सब तो वह वो, वो होता है उसके अंदर तो उसको अपने रिलीज़ करने के लिए मौका दीजिए वो चिल्लाएगा खेलेगा कूदेगा जंप करेगा उसकी एनर्जी रिलीज होना चाहिए उसको डिब्बे में बंद करके मत रखिए उसको उसकी सेहत बनेगी उसको इमोशनली वो स्टेबल बनेगा उससे तो ये होना चाहिए बच्चों के लिए खेल वगैरह का इंतज़ाम होना चाहिए इसलिए कभी लेके जाएं ग्राउंड पे लेके जाएं गार्डन में लेके जाएं बच्चे दौड़ें ये करें सब कुछ करें खाएं पिए मज़ा करें उसके अंदर ऐसा माहौल होना चाहिए तो वालदेन बच्चों को खेलने भी दें अब बाद का, क्या होता है बच्चे खेल रहे हैं शोर करें, करेंगे शोर करेंगे टांग तोड़ दूंगा कोई शोर नहीं करेगा बग़ैर शोर किए बच्चे खेलते अदब से खेलेंगे हाँ ऐसा कुछ तो ऐसा खेलते बच्चे आप फुटबॉल के ग्राउंड पे गए तो कैसे बच्चे बन जाते देखो बड़े बड़े लोग जब फुटबॉल खेलना शुरू करते हैं वो बच्चों की इजी हरकतें करते हैं शोर शराबा चिल्ला पुकार सब करेंगे और बच्चों से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खेल रहे हैं शोर ना करें आप उनको बिल्कुल चूजे बना के मत रखिए एकदम बल्कि उनको उनकी जो आज़ादी है खेल कूद की वो दीजिए, है खुदूद में पढ़ाई भी हो खेले भी दीनदारी भी इबादत भी इल्म भी ये सारी चीज़ें बैलेंस में होना चाहिए तो ये भी एक चीज़ है जो याद रखने की है फिर इसी तरह से आखिरी चीज़ इस हिस्से में इसके बाद भी है इन लेकिन इतने हिस्से में कि क्या क्या कराएं उनसे क्या क्या सिखाएं उनको उनमें पढ़ना लिखना और दुनियावी तालीम का भी इंतज़ाम उनके लिए करें यानी यह नहीं हो कि वो सिर्फ़ दीन 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 उसको पढ़ाई भी कराएं उसको उसको इंग्लिश भी आती हो उसको मैथ्स भी आता हो उसको जियोग्राफ़ी भी मालूम हो और इस तरह की जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो इंसान को जानना ज़रूरी है वो उसको सिखाएं आज हमारे मदारस में भी एजुकेशन है तो ये ना समझे कि दीनी तालीम दे रहा है कुछ पढ़ाएँ कि नहीं इसको बल ख़ाल क़ुरान और कुछ नहीं नहीं बल्कि ये भी सिखाएं जो दुनियावी तालीम है जितनी उसके लिए ज़रूरी है लेकिन अफसोस ये कि हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है और उसमें जो सिलेबस बच्चों का है उसमें कचरा भी बहुत है उसके अंदर अननेसेसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा है जो वाकई प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आती ये होना चाहिए कि वो सिलेबस हमारा फिल्टर हो और उनके लिए क्वांटिटी कम हो क्वालिटी अच्छी हो जो बच्चों के लिए मुफीद हो जरूरी हो इम अब्बास रदी अल्लाह तुम कहते हैं कारा नासरा बद्रिन लमयलहम फिदा फ़जाला रसूल सल्लाफि अम्यम औलादारब इमाम अहमद ने इसको रिवायत किया और हसन रिवायत है कि कहते हैं कि बद्र में जो कैदी पकड़ के लाए गए थे मश्रक में से तो उनके लिए अपने आप को छुड़ाने के लिए आज़ाद कराने के लिए कोई फिदिया नहीं था فدیع, کیا, گے, گے, کو, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए फ़िद आज़ादी का फ़िदिया ये मुक़रर किया अपनी आज़ादी की कीमत उनकी ये रखी कि तुम अंसार के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाओगे लिटरेसी उनको सिखाओगे लिटरेट बनाओगे उनको पढ़ना लिखना उनको सिखाओगे इसे मालूम होता है कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम के नज़दीक एजुकेशन की अहमियत कितनी थी लिटरेसी की अहमियत कितनी थी कि मुशरिक क़ैदी उन्होंने उनको टीचर बनाया अपने बच्चों का मालूम यह हुआ कि दुश्मन कौम के पास भी अगर कोई ऐसा इल्म हो दुनिया का जो हमारे लिए मुफीद हो उसको हासिल करना चाहिए तो इल्म की अहमियत इस्लाम में इतनी है तो आपने मुशरकिन से अपने बच्चों को पढ़वाया जो लिटरेसी है पढ़ाई लिखाई जो है उनको सिखाने के लिए उनको भी वही आता था ज़ुबान है तो आपने सिखाया तो ये चीज़ भी अपने बच्चों के लिए हमको इसका ख्याल रखना चाहिए कि हम उनको पढ़ाएं लिखाएं भी अच्छी से अच्छे स्कूल में डालें अच्छे से अच्छा हमारा बच्चा पढ़े ज़ुबानें सीखे मैथ साइंस जो भी है पढ़े और आगे बढ़े इंशाल्लाह मजीद बातें हम आगे देखेंगे अकोल वहीकूम